ओके, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल. गुड इवनिंग श्रीकार, गुड इवनिंग संदीप, गुड इवनिंग गौतम. चलो सबको ये आ जाओ और इस सेशन को फटाफट शेयर करो. ये लास्ट सेशन आपका होगा इकोनॉमिक लोड डिस्पैच का. इसके बाद कोई भी सेशन नहीं होगी इकोनॉमिक लोड डिस्पैच से. चार पार्ट में मैं इकोनॉमिक लोड डिस्पैच आपको पढ़ाया हूँ और आज का जो सेशन है वो तीनों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक है, ओके. सो चलिए फटाफट इसको शेयर कर दीजिए. मोस्ट वेलकम नयन, बाकी से भी आप शेयर करती है. गुड इवनिंग दीपक. ठीक है, आज ऑडियो क्वालिटी सही है, वीडियो क्वालिटी सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. तो आज ये लाइव सेशन जो आपका है इकोनॉमिक लोड डिस्पैच का, ये समझिए तो पार्ट फोर में होगा. और आज हम लोग विथ लॉसेस देखने वाले हैं, जिसमें पेनाल्टी फैक्टर के बारे में बात करेंगे और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल भी लेंगे जो गेट एग्ज़ाम में आया हुआ है. और इससे कितने टाइप ऑफ न्यूमेरिकल आ सकते हैं वो भी हम लोग देखेंगे. लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग फटाफट इसको शेयर करो ताकि ज़्यादा लोग रीच कर पाएँ. अभी आई थिंक हमारे पास 28 करेंट व्यूअर्स हैं, तो 28 है, 30, 35, 40, 50 तक जाएगा, फिर हम स्टार्ट कर देंगे. वेरी गुड इवनिंग टू एवरी वन. यस यस शुभांकर, चलो गुड इवनिंग. सचिन, जो रेगुलर हैं वो लोग तो आ गए. ओके, 20 सेकेंड का डिले चल रहा है, वो भी मैं सही करने की कोशिश करूंगा. यहाँ पे क्या है ना, बिहार में अभी पटना में प्रॉब्लम क्या है, नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू है. हमेशा कंटिन्यू नेटवर्क नहीं रहता है, तो ये इशू की वजह से है ना प्रॉब्लम आती है. तो कभी स्टक कर गया, बीच में नेटवर्क नहीं आया, तो उस टाइम में डेटा ट्रांसमिट नहीं हुआ. लेकिन चार्ज ले रहे हैं, ठीक है, जनरेशन साइड पर चार्ज ले रहे हैं, डेटा ट्रांसमिट नहीं कर रहे हैं लेकिन चार्ज ले रहे हैं. तो ऐसा कभी कभी हो जाता है, तो बीच में स्टक आ जाएगा. यस गुड इवनिंग, कल के सेशन में चॉपर पूरा करेंगे. यस दीपक, आप लोग को बता दूं, कल जो हम लोग का जो मेगा सेशन है 12 घंटा का, आपका बैक टू बैक चार चार घंटे का सेशन होगा. पहला सेशन 10 से 2 आपका चंदन सर लेंगे, 10 बजे से 2 बजे तक. उसके बाद 2 से 6 मैं ले रहा हूँ चॉपर, और उसके बाद 6 के बाद आपका ट्रांसफॉर्मर लेंगे. जब तक है जा पंकज सर, एकदम जब तक है जा रहता है उसे तब तक लेते हैं. उनका कोई टाइमिंग का ऐसा नहीं है, वो 4 बोलेंगे तो 6 घंटा तक भी ले सकते हैं. तो इस तरह से हमारा कल बहुत ज़्यादा सेशन है, बहुत हेवी सेशन है. अब बहुत लोग को लग रहा होगा कि चॉपर तो सर पढ़ चुके हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, फिर इस 4 घंटे यहाँ पे टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत क्या है. तो आप कल देखना, कल मैं आपको ऐसा चीज़ बताऊँगा चॉपर में जो अभी तक आपको नहीं मिला होगा. अभी तक आपको कोई भी यूट्यूब चैनल पर वो कंटेंट नहीं मिला होगा. वही टॉपिक, वही पार्ट मैं आपको कल कवर करने वाला हूँ. ठीक है, तो आपका टाइम कहीं से भी आपको वेस्ट नहीं होगा. बस आप कल का इंतज़ार करो. कल आपका 10 से 10 जो चलेगा सेशन, वो आप ध्यान रखना. दूसरा, आज आप देखे होंगे एक ट्रेलर आया होगा जी ऑप्टिमस करके. ठीक है, तो जेनिक ऑप्टिमस ये क्या है, ये 3 मंथ का आपका इंटेंसिव जस्ट लाइक कोर्स होगा, जिसमें हम लोग बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे पूरा पूरा का पूरा 12 सब्जेक्ट. तो वो हमारा जब भी एंड्रॉयड ऐप बन रहा है उस पर आएगा, तो आप लोग उसका भी वेट कर लो, आपस में प्रोपगेट कर लो, क्योंकि बहुत ख़तरनाक वो होने वाला है. उसमें हम लोग क्रिएटिव क्वेश्चन ही लेंगे. ठीक है, तो कितने लोग आ गए, चलो अब हम लोग पावर सिस्टम का बात करते हैं, क्योंकि ये सब तो बात होते रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं. ओके फाइन, तो 56 व्यूअर्स हैं, अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं. ओके गैंगली आ गए, चलो ठीक है. हर्ष गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरी वन, गुड इवनिंग. चलो ठीक है, अभी ठीक है सर. पी में कुछ एडेड टॉपिक के ऊपर कुछ चर्चा कीजिए. देवेंद्र, ये पावर सिस्टम का लेक्चर है, चलो अब हम लोग पावर सिस्टम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, पावर सिस्टम एक बार कंप्लीट होगा, फिर हम लोग चॉपर कल के सेशन में आप ये सवाल पूछना. तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. यस, कल का एक प्रॉब्लम था जिसमें हम लोग लोड शेयर 100 मेगावाट रखे थे, वो लोड शेयर 1000 मेगावाट होगा, तभी जाके 200 और 800 मेगावाट आएगा, 4:1 आंसर होगा. ठीक है, तो वो आप करेक्ट कर लेना. जो न्यूमेरिकल था उसमें 100 के जगह पे 1000 मेगावाट होगा, तो वो आप करेक्ट कर लीजिएगा. ठीक है ना, ओके. बेसिक टू एडवांस होगा, बिल्कुल दीपक, हम लोग जो कल स्टार्ट करेंगे बेसिक से एडवांस ही करेंगे. ऐसा नहीं होगा कि कोई एडवांस प्रॉब्लम ले ली, आपको घुमाया जा रहे हैं, आप फ्रस्ट्रेट हो गए, वैसा नहीं करेंगे. ठीक है,
बेसिक में अगर दिक्कत होगा स्टूडेंट को देखेंगे फीडबैक क्या है, उस हिसाब से हम लोग कल स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको लगेगा कि नहीं बेसिक चीज़ आपको आती है मैक्सिमम लोग को, तो हम लोग एडवांस भी ले लेंगे। चलो पावर सिस्टम स्टार्ट करें। सब लोग आई थिंक जो रेगुलर हैं वो आ चुके हैं, तो मेरे हिसाब से अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि मेरा आप जितना भी सेशन देखे होंगे, मेरा एक तरीका होता है कि जब भी मैं क्लास लेता हूँ उसमें आपको सबसे फर्स्ट पेज पे ले जाता हूँ। फर्स्ट पेज का मतलब क्या होता है कि पहले पेज पे चले जाओ और रिवीजन करो, 5 मिनट में रिकॉल आपको कराता हूँ। तो हम लोग इकोनॉमिक लोड डिस्पैच क्यों पढ़ते हैं, ऑब्वियसली हमको कॉस्ट को, ऑपरेटिंग कॉस्ट को मिनिमम रखना है ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम हम रेवेन्यू जनरेट कर पाए। उस पर हम बहुत न्यूमेरिकल भी लिए हैं। हीट रेट क्या होता है बता दिया, कॉस्ट रेट क्या होता है बता दिया, उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताया कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट कैसे, दो जनरेटिंग स्टेशन का इंक्रीमेंटल कॉस्ट आपका बराबर होगा, वो मैं आपको थ्योरेटिकल बताया। फिर मैथमेटिकली अगर आपको देखा जाए इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो मैं आपको कल बताया था, बाय यूजिंग लैग्रेंज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर। तो ये जो मैं आपको डेरिवेशन कराया था उसको आप खोल लीजिए। ये क्या बोलता है, देखो यहाँ पे हमारा क्या है, n वेरिएबल्स है। ऑब्वियसली हम n जनरेटिंग स्टेशन लेंगे तो n वेरिएबल्स है, उसी हिसाब से n कॉस्ट फंक्शन बनेगा। तो अकॉर्डिंग टू, अगर इसको हमको ऑप्टिमम करना है तो लैग्रेंज क्या बोलता है, एक बड़ा सा हम फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, जो कि आपका कॉस्ट फंक्शन f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस fi प्लस fn तक जाएगा, और इसके साथ आपका जो कॉन्स्टेंट था, कॉन्स्टेंट क्या था, डिमांड माइनस जो जनरेटेड है, हम लोग ऐसा लिखे थे PD इज इक्वल टू आपका डिमांड इज इक्वल टू समेशन ऑफ n इज इक्वल टू i इज इक्वल टू 1 टू n PGI, राइट, ऐसा होता था। तो PD माइनस PGI, तो लैम्डा टाइम्स ऑफ PD माइनस समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 टू n PGI, ऐसा। और इसी को हमको क्या करना था, एक नया फंक्शन जो हम कॉस्ट फंक्शन बनाए हैं, इसी को हमको ऑप्टिमम लाना था, मैक्सिमम लाना था। तो अगर सिंगल इक्वेशन है तो नो प्रॉब्लम, सिंगल इक्वेशन में तो हम लोग पढ़े हुए हैं 11, 12 में भी। लेकिन यहाँ देखो मल्टीपल वेरिएबल हो गया ना, F1 इज डिपेंडिंग अपॉन द G1, F2 इज डिपेंडिंग अपॉन G2, F3 इज डिपेंडिंग अपॉन G3, उसी तरह से Fi इज डिपेंडिंग अपॉन GI, नॉट G2 G1, समझ में आ रहा है। मतलब कि सबका डिपेंडेंसी अलग अलग है। तो मैं इस जगह पे आपको डायरेक्ट ऐसे लिख कर बताया था DF अपॉन DPG, ऐसा कुछ लिख दिया था, याद होगा आपको, I इज इक्वल टू 1 टू n DFi अपॉन DPGI, है ना, और ये आपका हो गया था प्लस लैम्डा 0 माइनस 1, कुछ ऐसा ही था। और इसी को हम लोग इक्वेट टू 0 किए थे और फिर यहां से लैम्डा की वैल्यू निकाले थे। तो यहां पे बहुत लोग बोल दिए थे कि सर ये डी बाई ए से करके आप कैसे समेशन कर रहे हैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, समेशन में आपका आई इज इक्वल टू 1 टू एन DFi अपॉन DPGI। अब ये चीज समझ में बहुत को नहीं आया, तो उनको लगा था कि सर अगर ऐसा कर देंगे तो लैम्डा तो सबका सम हो गया ना, जो पिछले लेक्चर में भी मैं जाकर देखता हूँ हर एक लेक्चर की कौन सवाल अगर छूट गया है कोई सवाल, तो वो सवाल को मैं देख के उसके बाद आपको नेक्स्ट लेक्चर में रेक्टिफाई करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ देखिए ये जो मैं किया हूँ, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो उस जगह पे जाओ और जाकर दूसरे तरीके से इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, तब आपको शायद समझ में आ जाएगा। तो आप क्या करो, जहां भी मैं नोट बनाया हूं वहां पे आप यहां तक लिखे हो वो तो ठीक है, उसके बाद लास्ट 2 लाइन में आप क्या करो, ऐसा कर सकते हो। देखो अगर यहां पे अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव के थ्रू जाएं, तो पार्शियल डेरिवेटिव में डेल एफ, सपोज करो डेल एफ अगर हमको सिर्फ और सिर्फ जनरेटर 1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो हम डेल PG1 करेंगे, कोई दिक्कत, तो डेल PG1 करेंगे। तो आप मुझे बताओ ये जो होगा किसके बराबर है, फर्स्ट जनरेटिंग, तो डेल एफ वन अपॉन डेल PG1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ बाकी क्या होगा, F2, F3 ये सब क्या आपका जनरेटिंग स्टेशन 1 के जनरेशन पे डिपेंड कर रहा है क्या, जो कॉस्ट फंक्शन है वो उसी जनरेटिंग स्टेशन का कितना पावर जनरेट होता है उस पे डिपेंड कर रहा है। तो ये डेल F1 अपॉन डेल PG1 तो ठीक है, समझ में आ रहा है। F2 डेल PG1 का क्या वैल्यू होगा, अगर मैं बोलूं डेल F2 अपॉन डेल PG1 अगर आपको बोलूं तो क्या होगा, ये आपका जनरेटिंग स्टेशन 2 का कॉस्ट फंक्शन पावर जनरेशन एट फर्स्ट जनरेटिंग स्टेशन पे डिपेंड करता है क्या, नहीं करता है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये सब आपका जीरो हो जाएगा,
समझ में आया? और उसके बाद यहां पे जब आप आएंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू पीडी, तो ऑब्वियसली जीरो, यहां पे भी वैसा ही होगा। देखो पीजी वन, पीजी टू, पीजी थ्री, पीजी फोर, पीजी फाइव, ऐसे पीजी एन तक। अब डेल पीजी वन अपॉन डेल पीजी वन, वो तो वन देगा, बाकी सब क्या होगा? बाकी सब जीरो हो जाएगा क्योंकि उसके लिए वो कॉन्स्टेंट है। तो सिर्फ आपको जो यहां मिलेगा वो डेल पीजी वन अपॉन डेल पीजी वन, उसके रिस्पेक्ट में वन मिलेगा। और इसी चीज को आप क्या करते हो, ऑब्वियसली इक्वेट टू जीरो करते हो। तो देखो यहां से क्या आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू आपको सीधे मिल जाएगा डेल एफ वन अपॉन डेल पी जी वन। तो मैं क्या किया था ना, मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको नहीं दिखाया था, डायरेक्ट मैं डिफरेंशिएशन लिखा था, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों? देखो लॉजिकली समझो, तो अब ये जो हमारा लैम्डा आया डेल एफ वन अपॉन डेल पी जी वन, अब पी जी वन और एफ वन दोनों डायरेक्ट रिलेशन है इसका, डायरेक्ट ये एक दूसरे पर डिपेंड करता है। तो मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको डी एफ वन अपॉन डी पी जी वन लिख सकते हैं। समझ में आया? दूसरा डिपेंडेंसी नहीं रहा ना, अब तो एक ही पर डिपेंड कर रहा है इस तरह से। अब दूसरा आप क्या करो, सेम प्रोसीजर आप यहां पे PG2 करके भी तो कर सकते हो। तो PG2 करेंगे तो ये आपका PG2 हो गया, बाकी सब क्या हो जाएगा? जीरो। और उसी हिसाब से आपको यहां PG2 अपॉन PG2 से वन मिलेगा, तो अगेन आपको लैम्डा की वैल्यू क्या मिल जाएगी? DF2 अपॉन DPG2। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग भी आप जा सकते हो। मैं डायरेक्टली लिख दिया था ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट लिखा था क्योंकि प्रोसीजर वही है, प्रोसीजर में डिफरेंस नहीं है। तो अगर किसी को दिक्कत है तो उस दो लाइन को जो मैं लिखाया हूं समेशन वाला, उसको हटाकर आप इस तरह से कर सकते हो कि अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं फंक्शन को, जो लैग्रांज फंक्शन है, विथ रिस्पेक्ट टू वन, तो सिर्फ वन वाला मिलेगा लैम्डा इज इक्वल टू दिस। अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू टू करेंगे तो सिर्फ टू वाला मिलेगा, उसी तरह थ्री करेंगे तो सिर्फ थ्री वाला मिलेगा। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन को हम ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में चेंज कर सकते हैं। कैसे? जब आपका ये एफ वन सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है पीजी वन पे, तो हम इसको नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन डी एफ वन अपॉन डी पी जी वन से रिप्लेस कर सकते हैं, उसी तरह से इसको इसको। तो ये मैं आपको बताया था, जो लोग नहीं समझ पाए थे कल, उनको लगा था कि लैम्डा इज इक्वल टू डेल एफ वन अपॉन डेल पी जी वन, डेल एफ टू अपॉन डेल पी जी टू, डेल एफ थ्री अपॉन डेल पी जी थ्री, ये पूरा करते हुए समेशन, वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वन ही होगा ना। इधर आप जो डिफरेंशिएशन करोगे, मान लो वन से करते हो तो सारे फंक्शन को वन से करना होगा, टू से करते हो तो सारे फंक्शन को टू से करना होगा, क्लियर। तो ये जो कल का डाउट था वो मैं सोचा कि आपको एक्सप्लेन कर दूं, और उसके बाद आप डायरेक्टली निकाल लिए कि भैया इंक्रीमेंटल कॉस्ट आपका कितना के बराबर हो जाएगा। इंक्रीमेंटल कॉस्ट के बराबर मतलब कि हर एक यूनिट का जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट होगा इकोनॉमिक ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बराबर होगा। समझ में आया? तो इस चीज को आप सही कर लीजिए, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया है तो इस तरह से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और डिटेल में आपको समझना है तो आप मैथमेटिक्स का लैग्रांज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है, वो समझ में आ जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो लैग्रांज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर क्यों यूज करते हैं, जब आपका एक फंक्शन है जिसमें डिफरेंट वेरिएबल है, उसी तरह से एक और उसका कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब कुछ लिमिटेशन, दो फंक्शन आपका हो गया। अब उन दोनों फंक्शन के हिसाब से हमको ऑप्टिमाइज करना है, मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। पहले क्या था, एक फंक्शन था, एक वेरिएबल था, मैक्सिमम निकालना है, नो प्रॉब्लम, कर लेंगे डिफरेंशिएट, इक्वेट टू जीरो, मैक्सिमम मिल गया। जब आपका डबल फंक्शन, ट्रिपल फंक्शन, चार फंक्शन हो जाए, तो उस केस में और कुछ कॉन्स्टेंट भी आ जाए, तो उस केस में हम लैग्रांज मेथड यूज करते हैं। तरीका वही है, कॉस्ट फंक्शन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ जो कॉन्स्टेंट है वो, ठीक है, क्लियर। लैग हो रहा है यार, अब क्या करूं मैं, पटना में लग नहीं रहा है कि लाइव सेशन चल पाएगा, फंस रहा है, क्या किया जाए बताइए। बिहार का बहुत बेकार स्थिति है, बिहार वाला जो है ना, बिहार का जो स्थिति है वो बहुत बेकार है। एडजस्ट कर पा रहे हो? एडजस्ट हो जाएगा तो बताओ, एडजस्ट कर पाओगे तो फिर लेता हूँ सेशन, अदरवाइज फिर रिकॉर्डेड वीडियो देता हूँ, क्योंकि बिहार में है ना बहुत ज़्यादा इशू है, बहुत ही ज़्यादा। कैसा इंटरनेट लूँ? 60 Mbps तो प्लान है, अब 60 Mbps प्लान लेकर इतना चार्ज भी ले रहा है, लेकिन जनरेशन में देखो कितना मुश्किल कर रहा है।
नहीं सर चलेगा, तो एडजस्ट कर लोगे तो स्टार्ट करूं? एडजस्टेबल है। बीच बीच में क्या हो रहा है ना, वो स्पीड का है ना बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है यार। और पटना बिहार, पटना मतलब पटना तो बिहार में चलो ठीक भी है, मैं बात भी कर ले रहा हूँ, लेकिन बाकी जगह तो और हालत ख़राब है, 2G वाला हाल है। तो पता नहीं कैसे हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, मतलब बहुत अफसोस होता है। मैं पिछले 6 महीने से बिहार में रह रहा हूँ, उससे पहले मैं कभी रहा नहीं था बिहार में, मतलब 10th के बाद मैं कभी बिहार नहीं रहा, तो मुझे आइडिया ही नहीं था कि इतना पीछे है बिहार। अब यार क्या करोगे, अफसोस होता है, नेता लोग खा पी के बैठे हुए हैं, किसको बोलेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, क्या बोल रहे हो? अब नेता को गाली देने से तो कोई मतलब नहीं है, पढ़ाई करते हैं, कंटिन्यू है, ठीक है। प्लीज़ वीडियोस डिलीट नहीं होगा, टेंशन ना लो, ठीक है, ओके, चलो ठीक है। कश्मीर में 2G है, हाँ यार अब कश्मीर का तो अलग ही इशू है। हाँ सर कंटिन्यू कीजिए, चलो फिर है ना कंटिन्यू ही रखते हैं। अभी 392 kbps आ रहा है, देखो इतना फ्लक्चुएशन है ना कि 392, 395, कभी 1 mbps आ जाता है, तो फ्लक्चुएशन की वजह से ऐसा हो रहा है। एनीवे तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ, अगर ज़्यादा फ्लक्चुएशन हुआ तो बताना, मैं रिकॉर्डेड वीडियो दे दूंगा। एनी हो आपका कंटेंट में लॉस नहीं आएगा, कंटेंट सही रहेगा। अब देखो कल 4 घंटा का कैसे सेशन चलेगा, आई डोंट नो कैसा चलता है। एनीवे चलिए स्टार्ट करते हैं एवरीबॉडी। अब चलिए कमेंट बंद कीजिए, कमेंट तभी कीजिएगा जब आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर लग रहा है कि यार लैग बहुत ज़्यादा हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि 15 सेकेंड का लैग तो मुझे दिख रहा है। ओके एनी हाउ तो मैं आपको बताया कि जब आपका विदाउट लॉसेज है तो इस तरह का इंक्रीमेंटल कॉस्ट बराबर होगा लैग्रेंज मेथड से। हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करके फाइनली पार्शियल डिफरेंशिएशन को हम नॉर्मल डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट करके इंक्रीमेंटल कॉस्ट सबका हम बराबर करके आपको दिखाएं। ये आप पिछले नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो अगर समझ में नहीं आया तो। अब आज का जो सेशन है वो है आपका विथ लॉसेज अब रहेगा। तो मैं आपको कल भी बताया था कि मान लीजिए एक जनरेटर G1 है जो आपका यहाँ पे है, आपके घर के बगल में है, और एक जनरेटर G2 है बहुत दूर है। तो जो आपके घर के बगल में है उसका इंक्रीमेंटल कॉस्ट ज़्यादा है, और जो आपका दूर पे रखा हुआ है उसका इंक्रीमेंटल कॉस्ट कम है। अब अगर विदाउट लॉसेस की बात करें तो ऑब्वियसली आप बोल दोगे कि जो दूर है उसका इंक्रीमेंटल कॉस्ट कम है, सर उसी से ज़्यादा लोड को शेयर करो, उसी से ज़्यादा पावर हम लेंगे क्योंकि उसका इंक्रीमेंटल कॉस्ट कम है। लेकिन जो आपके घर के बगल में उसका इंक्रीमेंटल कॉस्ट ज़्यादा है तो आप बोलोगे नहीं इससे हम कम लोड लेंगे। ये कब होगा? जब आपका लॉसेज इग्नोर करोगे। अब लॉसेज अगर हम कंसीडर कर ले तो 200 किलोमीटर जो दूर है वहां पे बॉस लॉस तो ज्यादा होगा ना। अगर वहां का हम जनरेशन बढ़ा दिए, मतलब वहां से जो करंट फ्लो करेगा ट्रांसमिशन लाइन में वो बढ़ गया, मतलब ट्रांसमिशन लॉस बढ़ गया, ट्रांसमिशन लॉस बढ़ गया, तो क्या ये इकोनॉमिकली फिजिबल है? नहीं। तो उस केस को कैसे स्टडी करें? अब ऑब्वियसली हमको समझ में आ रहा है कि अब सिर्फ इंक्रीमेंटल कॉस्ट पे तो डिपेंड नहीं करेगा, अगर हम लॉस इंक्लूड करेंगे तो और भी फैक्टर होंगे जिस पर हमको डिपेंड करेगा पूरा सिस्टम। तो ओवरऑल ऑप्टिमाइज कैसे किया जाए वो आज हम लोग स्टडी करेंगे। और सबसे पहला हेडिंग है आपका इकोनॉमिक लोड डिस्पैच। हेडिंग दीजिए इकोनॉमिक लोड डिस्पैच। With losses, ठीक है, economic load dispatch with losses। अब जैसे हम लोग without losses जिस तरह का derivation किए थे Lagrange method of multiplier में, उसी तरह से इसमें भी हम करेंगे। अब यहां पे देखो क्या क्या आ सकता है। तो obviously देखो जब हम नॉर्मल इक्वेशन, अब मैं वो पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखा रहा हूँ जो आप स्टेटमेंट पहला वाला विदाउट लॉसेज में लिखे थे ना, कि सपोज आपका फंक्शन या कॉस्ट फंक्शन F1, F2, F3 ऐसा कुछ फंक्शन है जो पावर जनरेट कर रहा है G1, G2, G3, और उसके बाद उसका जो कॉन्स्टेंट है वो है डिमांड माइनस टोटल पावर जनरेशन इज इक्वल टू जीरो, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू लैग्रांज मेथड कॉस्ट फंक्शन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ डिमांड माइनस, ये एक नया हम फंक्शन क्रिएट किए, सॉरी एक नया फंक्शन क्रिएट किए और उस फंक्शन को हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। तो ये सब हम लोग विदाउट लॉसेज में ऑलरेडी पूरा स्टेटमेंट लिख दिया था, सेम स्टेटमेंट यहां कॉपी होगा। इंक्लूड क्या करना है, बस लॉसेज आ जाएगा आपका पीएल। तो मैं क्या करता हूं, डायरेक्ट आपको बता रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू लैग्रांज सीधे मैं लिख रहा हूं, आप आगे चलो लिखा ही देता हूं, नहीं तो बोलोगे पढ़ाते ही नहीं अच्छे, ठीक है तो लिखिए लेट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट लिखिए लेट टोटल कॉस्ट एफ इज इक्वल टू एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री प्लस
एफ आई प्लस एफ एन जनरेटिंग पावर पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री प्लस पी आई प्लस पी एन हैविंग लॉसेज टोटल, ठीक है, हैविंग टोटल लॉसेज इक्वल टू पी एल, ठीक है, ऐसा है। अब आपका जो कॉन्स्टेंट क्या है, कॉन्स्टेंट यह है कि अकॉर्डिंग टू पावर बैलेंस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू पावर बैलेंस इक्वेशन आपको क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली जो डिमांड है और डिमांड प्लस जो लॉसेज है वो आपका बराबर होना चाहिए P1 वन प्लस पी टू प्लस 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 जो भी आप कर दो यहाँ पे, P1 P2 लिया है ना, ठीक है, PG1 भी लिख सकते हो, जैसा आपकी मन है मर्जी है, मैं P1 P2 ले लिया हूँ, अभी तक G ले रहा हूँ तो G1 G2 कर लो, ठीक है, PG1 PG2 PG3 PGI PGN, तो उसी तरह PG1 PG2 उसी तरह PGN, तो इसको हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 टू N PGI के बराबर। तो यहां से हमको एक चीज तो मिल रहा है, एक चीज क्या मिल रहा है कि अब हमारा सिर्फ डिमांड माइनस लॉसेज नहीं आएगा, डिमांड प्लस लॉसेज माइनस समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू वन टू एन पी जी आई, ठीक है, इक्वल टू जीरो। ये हम सेकेंड इक्वेशन बनाए थे, और फर्स्ट इक्वेशन कौन सा है, ये वाला, याद आ रहा है, ऐसे ही कुछ किए थे ना। तो देखो पहले वाले में और दूसरे वाले में, इस वाले में डिफरेंस क्या है, इस वाले में डिफरेंस देखो बस इस लॉसेस का डिफरेंस है। अब हम लॉसेस को भी कंसीडर कर रहे हैं, पहले हम डिमांड माइनस ये करते कि इक्वल टू जीरो करते थे, और इस दोनों फंक्शन के साथ हिसाब से हम नया फंक्शन क्रिएट करते थे लैग्रांज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर से, है ना। अब हमारा यहाँ पे लॉस आ गया पी एल। अब पी एल आप देखो पिछला नोट्स ध्यान से, पी एल में निकालना आपको सिखाया था कि आई इज इक्वल टू वन टू एन, J इज इक्वल टू वन टू एन, बी आई जे पी आई पी जे। तो देखो जो लॉस है वो आपका हर एक जनरेटिंग स्टेशन के पावर जनरेशन पे डिपेंड करता है, पावर जनरेशन ज्यादा तो लॉस ज्यादा, समझ में आ रहा है। मतलब ये तो वेरिएबल है, डिमांड को हम फिक्स रखते हैं तो ये कॉन्स्टेंट, लेकिन ये वेरिएबल है ऑब्वियसली, ये भी हमारा जनरेशन जिस हिसाब से हम करेंगे उस हिसाब से वेरिएबल होगा। तो इतना लिखने के बाद अब आप क्या बना सकते हो, लैग्रांज इक्वेशन बना सकते हो, नया कॉस्ट फंक्शन आप बना सकते हो। तो लिखो द न्यू कॉस्ट फंक्शन कैन बी फॉर्म्ड बाय, द न्यू कॉस्ट फंक्शन कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग लैग्रांज मेथड, द न्यू कॉस्ट फंक्शन कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग लैग्रांज मेथड। अब वो नया कॉस्ट फंक्शन क्या होगा, कैपिटल। तो द न्यू कॉस्ट फंक्शन कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग लैग्रांज मेथड एफ, कैपिटल एफ इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट फंक्शन एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री, इस तरह से एफ आई आएगा प्लस एफ एन तक जाएगा, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ जो भी कॉन्स्टेंट है। तो कॉन्स्टेंट सेकेंड इक्वेशन है, क्या है आपका, डिमांड प्लस लॉसेज समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू वन टू एन पी जी आई, ठीक है। तो ये हम नया कॉस्ट फंक्शन बनाए, अब कुछ भी डिफरेंस नहीं है, देखो इसका इसको हम हटा लेंगे तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। अब यहां पे देखो सेम प्रोसीजर से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। सपोज करो मैं आपका यहां पे पार्शियल डिफरेंशिएशन क्यों करेंगे, ये आपको मालूम है, इसी को हमको ऑप्टिमाइज करना है ना। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हर एक आपका वेरिएबल दूसरे पे डिपेंड कर रहा है ना। तो उस केस में अगर हम इसको पी वन के साथ अगर हम पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं, पी वन लिख लीजिए या पी जी वन लिख लीजिए, पी जी वन लिख लीजिए, ठीक है। तो बताओ यहां पे आपको डेल एफ वन अपॉन डेल पी जी वन तो मिलेगा, क्योंकि कॉस्ट फंक्शन एट जनरेटिंग स्टेशन वन इज डिपेंडिंग अपॉन द पावर जनरेशन एट जनरेटिंग स्टेशन वन। लेकिन आपका कॉस्ट फंक्शन, टोटल कॉस्ट जो है वो आपका जनरेटिंग स्टेशन टू का वन पे थोड़ी डिपेंड कर रहा है, थ्री का वन पे थोड़ी डिपेंड कर रहा है, फोर का नहीं कर रहा है, तो बाकी सब आपका जीरो हो गया, सेम प्रोसीजर, ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ। अब मुझे बताओ डिमांड तो ऑब्वियसली कॉन्स्टेंट है, जीरो होगा, यहां पे आपका डेल पी एल अपॉन
डेल पी जी वन आएगा। मैं बताया लॉस जो है वो डिपेंड करता है पावर पे, तो पावर में आपका पी आई पी जे जो आ रहा है, मतलब कि अगर पी जी वन है तो ऊपर में डेल पी एल आपका विथ रिस्पेक्ट टू पी जी वन आएगा, यहाँ पे माइनस वन आएगा। ऑब्वियसली आई इज इक्वल टू वन डालो तो डेल पी जी आई अपॉन पी जी आई, डेल पी जी आई मिला, वन मिला, बाकी सब जगह आपका जीरो, वो सब डिपेंड नहीं कर रहा है, कॉन्स्टेंट है। तो ये अगर आप समझ गए हो, इसी को तो इक्वेट करते हैं हम जीरो से। अगर हमको मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, ऑप्टिमम पॉइंट एक लाना है, तो इसका डिफरेंशिएट कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू कोई एक वेरिएबल। तो हम अगर वन जनरेटिंग स्टेशन वन के पावर से अगर हम डिफरेंशिएट किए तो ऐसा कुछ आया, तो आप मुझे बताओ लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो रहा है। लैम्डा इज इक्वल टू अगर आप यहां निकालोगे तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा वन अपॉन वन माइनस डेल पी एल अपॉन डेल पी जी वन इंटू, ये वन माइनस उधर गया, ये आपका डेल एफ वन अपॉन डेल पी जी वन आएगा। ऐसा कुछ एवरीबॉडी बताइए आएगा कि नहीं, मेरे हिसाब से आ जाएगा, समझ में आया किस तरह से, बस ये मैथमेटिक्स है, इतना आएगा। अब देखो फर्स्ट के साथ किए हैं तो यहां पे फर्स्ट आ रहा है, यहां फर्स्ट आ रहा है। अगर हम सेकेंड के साथ करते तो यहां पी जी टू आता और यहां डेल एफ टू अपॉन डेल पी जी टू। थर्ड के साथ करते तो कुछ ऐसा ही, डेल एफ थ्री अपॉन डेल पी जी थ्री, यहां पे पी जी थ्री, मानते हो सेम प्रोसीजर। तो उसी पॉइंट से अगर मैं नॉर्मली जनरलाइज करूं तो जनरलाइज इसको क्या कर सकते हैं कि अगर आपका डेल एफ अपॉन डेल पी जी आई, सपोज कीजिए कोई आई एथ जनरेटिंग स्टेशन से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहां पे हमको क्या मिलेगा, डेल एफ आई अपॉन डेल पी जी आई, बाकी सब जीरो, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ अंदर क्या मिलेगा, डेल पी एल अपॉन डेल पी जी आई, जो वन सफिक्स है वो हट जाएगा और उस जगह पे आई आ जाएगा, ठीक है, माइनस वन। वन क्यों, क्योंकि यहां पे भी I इज इक्वल टू आई पे डेल पी जी आई अपॉन डेल पी जी आई आपको वन वैल्यू देगा, ऐसा कुछ आएगा। तो यहां से आपको लैम्डा की वैल्यू जो मिलेगी, ये ध्यान से देखिए, लैम्डा आपको क्या मिलेगा ओवरऑल इस जगह पे अगर लिखा जाए तो ये मिलेगा वन अपॉन वन माइनस डेल पी एल अपॉन डेल पी जी आई, क्योंकि आई पे डिपेंड करेगा, और डेल एफ आई अपॉन डेल पी जी आई। तो मैं आई एथ जनरेटिंग स्टेशन का बता दिया। अब आई के जगह पे आप वन पुट कर दो तो फर्स्ट के लिए मिल गया, टू पुट कर दो तो सेकेंड के लिए, थ्री पुट कर दो तो थर्ड के लिए। तो ये आपका जनरलाइज आपको मिल रहा है क्या, लैग्रांज कोफिशियंट इसके बराबर। अब यहां पे देखो ध्यान से, पहले क्या था आपका, जब विदाउट लॉसेस था तो विदाउट लॉसेस में आप मुझे बताओ कि लैम्डा इज इक्वल टू सिर्फ क्या आ रहा था, डेल एफ अपॉन डेल पी जी, मतलब डी एफ अपॉन डी पी जी। तो देखो यहां पे इस चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखो ये जो आपका डिफरेंशिएशन है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये जो आप देख रहे हो आई वाला आई पे डिपेंड कर रहा है, नीचे डेल पी जी आई है तो ऊपर भी एफ आई है, उसी तरह से ये अगर डेल एफ वन है तो यहां पे डेल पी जी वन। तो ये आपका एक दूसरे से डायरेक्ट आपका डिपेंडेंसी है, एक दूसरे से डायरेक्ट डिपेंडेंसी है, इसमें किसी और का फंक्शन नहीं आएगा। मान लीजिए आप एफ वन लिखते हो तो एफ वन इज इक्वल टू आपको पी जी वन मिलता है, तो किसी और का नहीं है, तो हम इसको नॉर्मल डिफरेंशिएशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डी एफ आई अपॉन डी पी जी आई, है ना। तो अगर हम लैम्डा की वैल्यू लिखें तो ऐसा कुछ होगा, वन अपॉन वन माइनस डेल पी एल अपॉन डेल पी जी आई इंटू डी एफ, छोटा वाला है स्मॉल एफ, ठीक है, जो कॉस्ट फंक्शन है, डी एफ आई अपॉन डी पी जी आई। आप इसको डेल में भी रखोगे तो कोई इशू नहीं है, उससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बस डिपेंडेंसी क्या है, सेम है, इसलिए हम नॉर्मल डिफरेंशिएशन से भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो क्या डिफरेंस आ रहा है, और उस डिफरेंस से पूरा सिस्टम चेंज होने वाला है, पूरा कॉन्सेप्ट चेंज होने वाला है। जो भी विदाउट लॉसेज में आप पढ़े हो ना, उसका जस्ट रिवर्स होने वाला है, आप देखते जाओ। इसी को हम क्या बोलते हैं, ये जो आपका जो ब्रैकेट में है, इसी को बोलते हैं पेनाल्टी फैक्टर। जैसे लिखा रहा हूं उसी तरह से लिखिएगा, ठीक है, पेनाल्टी फैक्टर। और पेनाल्टी फैक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एल से। तो अगर आईएस जनरेटिंग स्टेशन का है
तो एल आई से रिप्रेजेंट होगा। तो पेनाल्टी फैक्टर आपको क्या मिला, एल आई इज इक्वल टू और ये तो आपको पता ही है इंक्रीमेंटल कॉस्ट होता है, ये क्या है, ये आपका इंक्रीमेंटल कॉस्ट होता है। तो देखो यहां पे ध्यान से, जब हम विदाउट लॉसेस की बात किए थे उस केस में आपका लैम्डा जो आया था वो सीधे इंक्रीमेंटल कॉस्ट के बराबर आया था, और हम बोलते थे कि जनरेटिंग स्टेशन वन का इंक्रीमेंटल कॉस्ट इक्वल टू टू का इक्वल टू थ्री का डायरेक्टली, और उसी तरह से हम सॉल्व करते थे। लेकिन अब देखो, अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है, अब आपका इंक्रीमेंटल कॉस्ट एट आईएथ जनरेटिंग स्टेशन मल्टीप्लाइड बाय पेनाल्टी फैक्टर एट आईएथ जनरेटिंग स्टेशन विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब कि अगर हम नॉर्मली इसको बताएं तो कैसे बता सकते हैं, ये लैम्डा तो कांस्टेंट है ना, ऑब्वियसली तो लैम्डा कांस्टेंट है, तो फॉर इकोनॉमिक ऑपरेशन अब मैं क्या लिख सकता हूं, पहले लिखता था फॉर इकोनॉमिक ऑपरेशन हमारा क्या होता था, सीधे लैम्डा इज इक्वल टू इंक्रीमेंटल कॉस्ट सबका बराबर होना चाहिए। लेकिन अब इकोनॉमिक ऑपरेशन के लिए आपको क्या करना होगा, आई सी वन मल्टीप्लाइड बाई एल वन इक्वल टू आई सी टू मल्टीप्लाइड बाई एल टू इक्वल टू आई सी थ्री मल्टीप्लाइड बाई एल थ्री इक्वल टू, ऐसे ही चला जाएगा, आई सी एन मल्टीप्लाइड बाई एल एन। ये है आपका कंडीशन इकोनॉमिक ऑपरेशन का। तो पहले क्या था, पहले आपका सीधे इंक्रीमेंटल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए, सबका इंक्रीमेंटल कॉस्ट बराबर होना चाहिए। अब इंक्रीमेंटल कॉस्ट से बराबर होने से नहीं होगा, आपको पेनाल्टी फैक्टर भी देखना पड़ेगा निकाल के कि पेनाल्टी फैक्टर कितना है। अब देखो ध्यान से, अगर लॉसेस जीरो है, लॉसेस जीरो है दैट मीन्स ये वाला पार्ट जीरो, ये वाला पार्ट जीरो, मतलब बताओ पेनाल्टी फैक्टर कितना हुआ, वन। तो लॉसेस सिस्टम का, लॉसलेस सिस्टम का अगर आपको पेनाल्टी फैक्टर पूछे तो वन वन, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू डायरेक्ट इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो हो रहा है वो उसके बराबर, मतलब इंक्रीमेंटल कॉस्ट सबका बराबर होना चाहिए। तो आप विथ लॉसेस अगर पढ़ लिए तो विदाउट लॉसेस तो ऐसा ही निकल रहा है ना, सिर्फ आप पी एल डेल पी एल ओपन पी जी आई जीरो हो जाएगा क्योंकि लॉस हम इग्नोर कर रहे हैं। क्लियर? तो इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो बताओ इसके बाद, मतलब इसके बाद अभी दो तीन केस लेंगे उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पहले हम इतना में डिस्कस करना चाह रहे हैं कि अगर कोई डाउट है तो अभी क्लियर करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें घुमाएंगे। अभी देखो इतना मजेदार मजेदार कॉन्सेप्ट निकलेगा ना इससे, देखने में छोटा लग रहा है लेकिन अभी देखना कितना मस्त मस्त कॉन्सेप्ट लास्ट में हम लोग कंक्लूजन में निकालेंगे। तो एनी डाउट, चलो कॉमेंट बताओ। निलंजन आप हमें फॉलो नहीं कर रहे हो लग रहा है, फॉलो करोगे तो आपको मैं पता होना चाहिए कि ये पावर सिस्टम का क्लास चल रहा है तो पावर सिस्टम का ही बात करूंगा। यस, एनी डाउट, कोई डाउट है तो क्लियर कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अमित कोई भी नंबर वन नहीं है इस दुनिया में, लाइफ में याद रखना, नो वन इज नंबर वन फॉर लाइफ टाइम, कोई ना कोई आएगा जो आपको रिप्लेस करके चला जाएगा, ठीक है, ये लाइफ की सच्चाई है, तो कोई स्टार नहीं होता। यस, क्रिस्टल क्लियर, संदीप ठीक है, देवेंद्र अमित ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ओके, कोई भी डाउट नहीं है, एनी डाउट, चलिए नो डाउट टिल नाउ, फाइन। तो अब देखो, अब इंक्रीमेंटल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाई आपका पेनाल्टी फैक्टर दोनों बराबर होना चाहिए, ये आप ध्यान रखिए जब आप लॉसेस लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट आप नोट लिखिए, अब मैं डिफरेंट डिफरेंट केस लूंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किस केस में क्या हो रहा है, आप खुद बताना है ना। अब आप ध्यान रखना इस चीज का कि सिर्फ इंक्रीमेंटल कॉस्ट के बराबर नहीं होना है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ पेनाल्टी फैक्टर एंड इंक्रीमेंटल कॉस्ट ये दोनों बराबर होना चाहिए हर एक जनरेटिंग यूनिट का फॉर इकोनॉमिक ऑपरेशन, अगर ये नहीं होगा तो फिर नहीं निकाल सकते, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, पेनाल्टी फैक्टर ऑफ टू बस सिस्टम, नेक्स्ट हेडिंग है पेनाल्टी फैक्टर ऑफ टू बस सिस्टम। यस, पॉज कीजिए, अब मैं सवाल करूंगा आप आंसर देना, ठीक है। पेनाल्टी फैक्टर ऑफ टू
टू बस सिस्टम, नेक्स्ट हेडिंग है। पेनाल्टी फैक्टर ऑफ टू बस सिस्टम, जनरेटिंग बस ले रहे हैं, जनरली थ्री बस होगा, ऑब्वियसली एक लोड बस भी होगा, लेकिन मैं टू बस कह रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू जनरेशन। तो पहला देखिए, पहला मैं केस ले रहा हूं, ठीक है, आप मुझे खुद बताना, केस फर्स्ट, ठीक है। एक आपका जनरेटर है G1, ये आप समझ लीजिए बस वन हो गया, ये आपका ट्रांसमिशन लाइन है, और दूसरा है आपका जनरेटर G2, ये आपका बस टू है, ठीक है। और यहां पे आपका लोड लगा हुआ है, कहां लोड लगा हुआ है, इस जगह पे, समझ में आया, ऐसा कुछ है। अब आपको क्या बताना है, क्वेश्चन मेरा समझा, ये जनरेटर है, इस जनरेटर के बस से ही लोड लगा दिया, मतलब ऑब्वियसली पीडी, पावर डिमांड आपका यहां कुछ है ना। और ये जनरेटर G2 है जो इसको पावर सप्लाई कर रहा है, कितना कर रहा है नहीं मालूम, लेकिन इसका जो पाथ है उसमें ट्रांसमिशन लाइन भी आ रहा है, दिख रहा है, ट्रांसमिशन लाइन भी आ रहा है। अब मुझे आप बताओ कि इस केस में आपका पेनाल्टी फैक्टर L1 और L2 क्या होगा, सवाल है, सोचिए, सोच के बताइए, फिर हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। पेनाल्टी फैक्टर आपको निकालना है, L1 ग्रेटर देन 1 आएगा या लेस देन 1 आएगा या इक्वल टू 1 आएगा, उसी तरह L2 ग्रेटर देन 1 आएगा, लेस देन 1 आएगा, इक्वल टू आएगा, वो मैं पूछ रहा हूं आपसे, समझ में आया। दो बस सिस्टम मैं लिया हूं और दोनों बस में बस 1 पे मैं लोड कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो बस 1 पे लोड कनेक्ट कर दिया और उस हिसाब से आपको निकालना है, L1 बताओ, L2 बताओ, L3 बताओ। L1 1 आ रहा है सोनाली, ओके, L1 1 है, L2 के बारे में बताइए, L2 क्या होगा, L2 L1 1 आएगा, बाकी लोग भी ट्राई कीजिए, L1 1 L2 ग्रेटर देन 1, अनिल, ओके, L1 1 L2 ग्रेटर देन 1, अनुज, L1 1 L2 ग्रेटर देन 1, कैसे निकाल रहे हो, कैसे निकाल रहे हो इसको, यस निखिल, एवरीबॉडी इज करेक्ट, फाइन, L2 आपका कितना, लेस देन 1, हर्ष पटेल, ध्यान से देखिए, L1 आपका कितना आएगा, 1, और L2 आपका ग्रेटर देन 1 आएगा। देखो, समझो इस चीज को, यहां पे आप मुझे बताओ B11 की वैल्यू क्या होगी, B11 की वैल्यू क्या होगी, B22 की वैल्यू क्या होगी और B12 की वैल्यू क्या होगी। देखो, लॉसेस कोफिशियंट हमको पहले पता होना चाहिए, PL इज डिपेंडिंग अपॉन B11, B22 और B12। तो पिछले लेक्चर में मैं नोट लिखाया था कि B11 इज प्रोपोर्शनल टू दिस, B22 इज प्रोपोर्शनल टू दिस, B12 इज प्रोपोर्शनल टू दिस, समझ में आया, उस हिसाब से आप निकाल सकते हो इसको, यस, ठीक है। तो यहां देखिए, अगर आपको मैं पहले पिछले लेक्चर में बताया था B11 इज प्रोपोर्शनल टू R1 प्लस R3, अब देखो यहां तो R3 क्या है, जीरो, ये आपका R2 मिलेगा और R1 की वैल्यू क्या है, ऑब्वियसली जीरो, तो R1 R3 जीरो, B11 क्या हो जाएगा, जीरो। उसी तरह से B22 प्रोपोर्शनल टू क्या है, R2 प्लस R3, तो R3 जीरो है लेकिन R2 तो आपको मिलेगा, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। उसी तरह से B12 की अगर हम बात करें तो प्रोपोर्शनल टू R3 था, R3 आपका यहाँ जीरो है, B12 भी जीरो हो गया। तो उस हिसाब से आपका जो B22 सिर्फ नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो लोड PL इज इक्वल टू क्या मिलेगा, B22P2 स्क्वायर, मतलब डेल PL अपॉन डेल P2 आपको कितना मिलेगा, 2 टाइम्स ऑफ B22P2। तो L2 की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन 1 माइनस डेल PL अपॉन डेल P2। अब देखो यहां कुछ वैल्यू है, ये वैल्यू से ऑब्वियसली ये ग्रेटर देन 1 हो गया। L1 की अगर हम बात करें तो L1 में बताओ, L1 में आपका डेल PL
अपॉन डेल पी वन ऑब्वियसली जीरो आएगा, क्यों? क्योंकि बी वन वन जीरो है, आपको याद है ना, पी एल इज इक्वल टू हम लोग क्या निकाले थे, बी वन वन स्क्वायर पी वन, बी वन वन मल्टीप्लाइड बाई पी वन स्क्वायर, बी टी टू मल्टीप्लाइड बाई पी टू स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ बी वन टू पी वन पी टू, ऐसा ही कुछ था ना। अब देखो ये जीरो है, आपका ये जीरो है तो पी वन तो ऑब्वियसली कुछ नहीं मिला ना, ये लॉस कोफिशिएंट लॉसेस तो जनरेटिंग एसेशन वन में कुछ मिलेगा ही नहीं, तो ऑब्वियसली ये आपका जीरो के बराबर, तो एल वन इज इक्वल टू वन माइनस वन माइनस जीरो वन, तो एल वन की वैल्यू वन आई, एल टू ग्रेटर देन वन। अब इस चीज को समझते हैं जरा, ठीक है, क्योंकि समझना यही है, ये तो हम निकाल लिया, आंसर हमारा आ गया, इस कॉन्सेप्ट का आंसर हमको समझ में आ गया, लेकिन इतना ही निकाल लेंगे तो फिर हमारी जरूरत नहीं रहेगी ना बॉस, अपनी जरूरतें बना के रखना होता है, मालूम है ना, अपनी जरूरतें अगर बना के नहीं रखोगे तो फिर लोग नहीं पूछेंगे, लोग बहुत मतलबी हैं लाइफ में, ठीक है। तो देखिए इतना ही अगर करना हो तो फिर तो आप आंसर दे दिए हो तो आगे बढ़ सकते थे, लेकिन नहीं, देखिए यहां समझिए, जनरेटर जीवन का और जनरेटर जी टू का, ये आपका एल वन इज इक्वल टू वन आया और ये एल टू आपका ग्रेटर देन वन आया, मतलब पेनाल्टी फैक्टर एल टू का ज्यादा, पेनाल्टी फैक्टर एल वन का कम, समझ में आ रहा है, पेनाल्टी फैक्टर एल टू का मतलब एल टू नहीं बोलेंगे, सेकेंड जनरेशन का जनरेटर का, सेकेंड जनरेटिंग यूनिट का ज्यादा और पेनाल्टी फैक्टर फर्स्ट जनरेटिंग यूनिट का कम इससे विथ रिस्पेक्ट, ठीक है। अब इंक्रीमेंटल कॉस्ट कुछ भी हो हम नहीं जानते हैं, हम एक चीज जानते हैं कि अगर हमको इकोनॉमिकली इसको ऑपरेट कराना है तो आई सी वन एल वन मस्ट बी इक्वल टू आई सी टू एल टू होना चाहिए। अब इस कंडीशन से देखो, चूंकि एल वन इज लेस देन एल टू, तो बताइए भैया फॉर इकोनॉमिक ऑपरेशन आई सी वन इज ग्रेटर देन आई सी टू, फॉर इकोनॉमिक ऑपरेशन, बार बार बोल रहा हूं हर जगह नहीं, फॉर इकोनॉमिक ऑपरेशन हर जगह नहीं, ठीक है, फॉर इकोनॉमिक ऑपरेशन अगर आपका पेनाल्टी फैक्टर फर्स्ट का अगर कम है सेकेंड से तो उसका इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होगा, ज्यादा और यहां कम। अब यहां पे एक पॉइंट लिखिए, जिसका पेनाल्टी फैक्टर कम वो ज्यादा लोड शेयर करेगा, लिखिए जिसका पेनाल्टी फैक्टर कम वो ज्यादा लोड शेयर करेगा, लो पेनाल्टी फैक्टर विल शेयर मोर लोड, इसमें एक चीज बात डाल दीजिए, फॉर इकोनॉमिक ऑपरेशन, ये भूलना मत, हमेशा नहीं होगा, ठीक है, फॉर इकोनॉमिक ऑपरेशन लो पेनाल्टी फैक्टर जनरेटिंग यूनिट हैविंग लो, ऐसे लिख लीजिए, जनरेटिंग यूनिट हैविंग लो पेनाल्टी फैक्टर विल शेयर मोर लोड। अब यहां पे तो कंफ्यूजन हो गया बॉस, कंफ्यूजन क्या हो गया, ध्यान से देखिए कंफ्यूजन क्या हो गया, कि अभी तक विदाउट लॉसेज में जो हम पढ़े थे इकोनॉमिक ऑपरेशन में, कि जिसका इंक्रीमेंटल कॉस्ट कम विल शेयर मोर लोड, लेकिन जब हम लॉसेज इंक्लूड कर रहे हैं तो जिसका इंक्रीमेंटल कॉस्ट ज्यादा विल शेयर मोर लोड फॉर इकोनॉमिक ऑपरेशन। देखो एल वन लेस देन एल टू ना, तो लो पेनाल्टी फैक्टर विल शेयर मोर लोड, दैट मीन्स कि हाई इंक्रीमेंटल कॉस्ट विल शेयर मोर लोड। तो पहले जब हम विदाउट लॉसेज में पढ़े थे उसका जस्ट रिवर्स यहां आ रहा है, फॉर इकोनॉमिक ऑपरेशन, इकोनॉमिक ऑपरेशन के कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए यह चीज होगा, अदरवाइज नहीं होगा, समझ में आ रहा है, मतलब कि जो हम विथ विदाउट लॉसेज में पढ़े थे वो विथ लॉसेज में अपोजिट हो गया, क्लियर, तो लो पेनाल्टी फैक्टर विल शेयर मोर लोड, ये तो समझ में आ गया, इसको एनालाइज किए समझ में आ गया कि भैया एनालाइज करने के बाद ऐसा कुछ आ रहा है, ये भी हमको समझ में आ गया, सब समझ में आ गया, बहुत अच्छे से, अच्छा से सब सब क्लियर हो गया। अब मेरे को देखो कंफ्यूजन नहीं होगा, इसको दूसरे तरीके से भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, देखो ये तो मैं मैथमेटिकली निकाल के बताया कि भैया ऐसा ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, है ना, लेकिन यहां पे ध्यान दीजिए, लोड आपका बस वन पे लगा हुआ है, लोड के नजदीक कौन सा जनरेटिंग यूनिट है, दिस वन, लोड आपका बस वन पे लगा हुआ है, लोड के नजदीक कौन सा जनरेटिंग यूनिट है, ये वाला, ये जनरेटर G2 है, ये क्या है, दूर है ट्रांसमिशन लाइन, लोड यहां है, ये बहुत दूर है, जो मैं आपको बताया था कि दूर है, एक आपका सिटी के बगल में। अब देखो
मैं बोल रहा हूं कि लो आपका क्या, L1 आपका कम है, मतलब इसका पेनाल्टी फैक्टर ऑब्वियसली कम होगा, लॉसेस कम है तो पेनाल्टी फैक्टर कम विल शेयर मोर लोड, मतलब जीवन ज्यादा लोड शेयर करेगा। मान लो 100 मेगावाट है तो ये आपका 50 से ज्यादा होगा, 60 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, रिमेनिंग G2 लेगा। अब बोलोगे सर ये सब तो ठीक है, अगर हम G2 को 80 मेगावाट दे दिए 100 में से तो क्या होगा? तो वो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है, उसका रीजन समझो। अगर आप यहां पे पावर बढ़ा दिए, फिर से समझना, अगर आप यहां पे पावर बढ़ा दिए तो करंट बढ़ गया, करंट बढ़ गया तो यहां से जो करंट फ्लो करेगा और लोड की तरफ जाएगा वो करंट बढ़ गया, मतलब ट्रांसमिशन लाइन में करंट बढ़ गया, तो I²R लॉस अब बढ़ा दिए तो ट्रांसमिशन लाइन का लॉस अब बढ़ा दिए, ट्रांसमिशन लॉस बढ़ गया, क्या ये फिजिबल है? नहीं। तो हम क्या करेंगे कि जिस जेनरेटिंग स्टेशन जो दूर है उसका ऑब्वियसली लॉसेस ज्यादा है, तो उस पॉइंट को देखते हुए हम ये करेंगे कि इसको कम लोड दो और जो नजदीक है उसको ज्यादा लोड शेयर करने के लिए बोलो कि भैया तुम्हारे बगल में है आराम से शेयर करो ना, तुम्हारा ऐसे भी पेनाल्टी फैक्टर कम आएगा क्योंकि कोई लॉसेज हो नहीं रहा है, पेनाल्टी फैक्टर कम आया, अब इकोनॉमिक ऑपरेशन में पेनाल्टी फैक्टर कम है मतलब इंक्रीमेंटल कॉस्ट ज्यादा, तो ठीक है ना, इंक्रीमेंटल कॉस्ट ज्यादा भी है तो क्या हुआ, ओवरऑल लॉस कम है तो हम ज्यादा लोड ये शेयर करेगा और ये कम लोड, एनी डाउट? कोई डाउट, यस और नो? फिर आगे बढ़े, कोई डाउट? अभी लाइव क्लासेस आने हैं तो फिर और मजा आएगा, लाइव क्लासेस में और फोड़ने वाले हम लोग, पूरा जेनेटिक टीम सामने आएगी। यस, फिर से एक्सप्लेन करूं? यस अनंता, ध्यान से देखो, G2 जब आपका लोड शेयर करेगा ना तो ऑब्वियसली G2 लोड शेयर करेगा तो वो ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू ही जाएगा लोड के अक्रॉस। अब G2 को अगर ज्यादा लोड दे दिए तो ऑब्वियसली यहाँ पे करंट बढ़ गया, करंट बढ़ गया तो ट्रांसमिशन लॉस बढ़ गया, ट्रांसमिशन लॉस बढ़ गया तो ये फिजिबल नहीं है, इकोनॉमिकली ऑपरेट हम नहीं कर रहे हैं, सही नहीं है ये चीज। और ऑब्वियसली हम यहाँ देख रहे हैं कि जिसका लो पेनल्टी फैक्टर जो नजदीक है उसको ज्यादा दो लोड, न्यूमेरिकली हम लोग ड्राइव भी करेंगे, टेंशन ना लो, न्यूमेरिकल मैं लेके आया हूँ, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आप ये समझो कि विथ लॉसेज में जो केस था उसके जस्ट उल्टा हो रहा है, यहां पे पेनाल्टी फैक्टर जिसका कम विल शेयर मोर लोड, ठीक है। ऑल्दो इंक्रीमेंटल कॉस्ट विल बी हायर बट द वैल्यू ऑफ पेनाल्टी फैक्टर विल बी लो अंडर इकोनॉमिक ऑपरेशन, दैट मीन्स द जनरेटिंग यूनिट हुज पेनाल्टी फैक्टर विल बी लेस विल शेयर मोर लोड। इस तरह से आप लिख सकते हो इसको पूरा अच्छे से, अपने लैंग्वेज में लिख लो, हिंदी इंग्लिश बंगाली जिसमें लिखना है लिख लो, ओवरऑल कॉन्सेप्ट यही होगा, ठीक है। तो ये था हमारा केस 1। चलिए, बहुत सही, समझ में तो सब आ रहा है, तो न्यूमेरिकल भी बनना चाहिए ना, आज तो खत्म हो गया, अब तो ज्यादा कुछ है ही नहीं, अब तो खत्म हो गया आपका, इतना आप समझ गए तो फिर तो खत्म हो गया। लेकिन और दो केस लेते हैं, उसका आंसर आप दोगे? बिल्कुल देंगे सर, क्यों नहीं देंगे, आप पढ़ाए हो तो देंगे ही। तो चलिए केस टू लीजिए। केस टू में अब हम क्या कर रहे हैं, लोड को बस 2 पे लगाते हैं, अब मुझे बताइए G1 G2 L1 बताइए, L2 बताइए और अंडर इकोनॉमिक ऑपरेशन, ध्यान रखना इकोनॉमिक ऑपरेशन उसी कंडीशन को लेकर चल रहे हैं। अब बताइए L1 L2, अब जस्ट रिवर्स हो जाएगा, अब इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, है ना, क्योंकि एक में मैं आपको बता दिया तो सेकेंड आप निकाल लोगे, बस 1 को 2 से रिप्लेस करना है। चलिए इसका बताइए, अब यहां पे आप निकालोगे तो L1 आपका ग्रेटर देन 1 आएगा, L2 1 के बराबर आएगा, उसी हिसाब से IC1 अंडर इकोनॉमिक ऑपरेशन आपका IC1 जो आएगा, चूंकि L1 ज्यादा है तो लेस देन IC2, और इसमें आपका G2 विल शेयर मोर लोड, ये कब, अंडर इकोनॉमिक ऑपरेशन, ये बार बार भूलिएगा मत, हर जगह नहीं, अपने मन से देंगे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हो, अंडर इकोनॉमिक ऑपरेशन। इसमें कोई डाउट है तो बताओ,
बस परफेक्ट, कुछ भी नहीं है। केस टू आपका सेम था, है ना, केस वन जैसा ही है। ठीक है, क्लियर हो गया? मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। यस, जस्ट रिवर्स केस, फाइन। अब थर्ड केस ले लें, थर्ड केस ले लेते हैं। थर्ड केस देखिए, थर्ड केस में अब हम लोग लोड कहीं भी रख सकते हैं, इसके बीच में, जरूरी नहीं है कि मिडिल में ही रख रहे हैं। केस थर्ड क्या है आपका, कि लोड हम कहीं भी ट्रांसमिशन लाइन में रख सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि मिडिल में ही हो, कहीं भी हो सकता है। तो उस केस में आप बताओ, पीडी यहां पे लगा हुआ है, तो इस केस में ऑब्वियसली देखो, इस जनरेटर G1 के थ्रू भी आपका लॉसेज इतना दूर होगा I1 के वजह से, और G2 के थ्रू भी यहां I2 के वजह से ट्रांसमिशन लाइन लॉस होगा। तो दोनों लॉस कंट्रीब्यूट कर रहा है, चाहे G1 हो या G2 हो, दोनों लॉस कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब दोनों लॉस कंट्रीब्यूट कर रहा है तो ऑब्वियसली हमारा L1 जो होगा वो नॉट इक्वल टू 1 होगा, और L2 भी आपका नॉट इक्वल टू 1, मतलब क्या होगा, ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 होगा, है ना। दोनों आपका L1 L2 दोनों ग्रेटर देन होगा, वैल्यू कितना होगा वो डिपेंड करेगा किस जगह पे है, समझ में आ रहा। मतलब कि जिससे नजदीक होगा ऑब्वियसली उसका पेनल्टी फैक्टर कम होगा, पेनल्टी फैक्टर जितना कम उतना अच्छा। तो अगर ये वाला लोड बस को हम शिफ्ट कर दिए इधर, देखो इसको शिफ्ट कर दिए फर्स्ट पे तो इसका पेनल्टी फैक्टर 1 हो जाता है, इसको शिफ्ट कर देते हैं सेकेंड पे तो इसका पेनल्टी फैक्टर 1 हो जाता है। तो अगर हम इसको मूव करेंगे फर्स्ट के तरफ तो इसका लॉसेस कम, लॉसेस का मतलब G1 ज्यादा शेयर करेगा लोड, और अगर हम शिफ्ट कर देंगे इसको सेकेंड वाले पे तो इसका लॉसेस कम, L2 आपका 1 के तरफ अप्रोच करेगा तो ये ज्यादा शेयर करेगा। और अगर इसको हम मिडिल पे रखेंगे और हम ये मान के चलेंगे कि दोनों इक्वल लोड शेयर कर रहा है, I1 I2 बराबर है, क्योंकि लॉसेस बराबर होना चाहिए, है ना। तो I1 I2 दोनों अगर बराबर है और इक्वल पे है तो उस केस में दोनों आपका इक्वल लोड शेयर करेगा। अब यहां देखो, ऐसा नहीं कह सकते कि अगर ये इन बिटवीन होगा तो इक्वल लोड शेयर करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, और भी डिपेंडेंसी आ सकती है। इसका इंक्रीमेंटल कॉस्ट कुछ और हो सकता है, इसका इंक्रीमेंटल कॉस्ट कुछ और हो सकता है, क्योंकि दोनों जनरेटिंग यूनिट अलग अलग डिस्टेंस पे है, जहां पे फ्यूल कॉस्ट अलग हो सकता है, तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी आपका अलग हो सकता है, तो उस पर भी डिपेंड करेगा। तो ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि जो मिडिल में होगा मतलब कि दोनों का L1 L2 बराबर होगा, ऐसा दिमाग में मत रखना। मिडिल में होगा तो उस केस में आपका इंक्रीमेंटल कॉस्ट पे भी डिपेंड करेगा। आप ऐसा कह सकते हो कि अगर इसका इंक्रीमेंटल कॉस्ट और इसका इंक्रीमेंटल कॉस्ट बराबर है और ये मिडिल में है तो फिर इक्वल लोड शेयर करेगा, क्योंकि L1 L2 बराबर हो गया ना, तो उस केस में आप कह सकते हो। तो थर्ड केस क्लियर हुआ, थर्ड केस में आपका L1 L2 इस तरह का आएगा, और इतना क्लियर मतलब इकोनॉमिक लोड डिस्पैच खत्म। इंजॉय कीजिए मस्त टाइप से, एकदम क्लियर हो गया आपको, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो मैं अब क्वेश्चन लूंगा, है ना। तो देखो यहाँ पे जो ज्यादा लोड शेयर करता है ना उसमें हम लॉसेस को कंट्रीब्यूट करते हैं, लॉसेस जो होता है ना, जो ज्यादा लोड शेयर करता है उसमें हम लॉसेस को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जब मैं क्वेश्चन लूंगा तब आपको क्लियर होगा। तो इतना अगर क्लियर हो गया है तो हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, कोई डाउट है तो कमेंट करो। यस और नो, डाउट है क्या, कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। लास्ट वाला समझ में नहीं आया देवेंद्र? अरे लास्ट वाला कुछ नहीं है, देखो ये आपका G1 हो गया, बीच में कहीं पे भी हो सकता है, बीच नहीं बोलेंगे ठीक है, कहीं पे भी हो सकता है। ये आपका G2 हो गया, ये सेकेंड बस, ये फर्स्ट बस, और यहाँ पे आपका लोड बस है PD, ठीक है। अब ध्यान से देखो, पहले जब आपका यहाँ पे था तो इसके वजह से लॉस नहीं होता था, तो इसका पेनल्टी फैक्टर 1, जब यहां था तो इसका पेनल्टी फैक्टर 1, वो दो केस समझ में आ गया। लेकिन जब बीच में होगा तो ऑब्वियसली G2 जो करंट फ्लो करेगा, G2 के थ्रू जो करंट फ्लो होगा वो आपका ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू जाएगा, तो ट्रांसमिशन लाइन में आपका लॉस जो होगा उसमें G2 का कंट्रीब्यूशन होगा। उसी तरह G1 भी ट्रांसमिशन लाइन में उसका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होगा। तो ट्रांसमिशन लॉस आपको दोनों के थ्रू मिला, मतलब कि यहां पे आपको del PL upon del PG1 नॉट इक्वल टू 0, यहां पे भी del PL upon del PG2 नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि लॉसेस है तो ऑब्वियसली उसका कुछ ना कुछ फंक्शन पे डिपेंड करेगा, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 के बराबर तो नहीं आएगा,
तो दोनों नॉट इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स कि एल वन भी आपका नॉट इक्वल टू वन होगा और एल टू भी आपका नॉट इक्वल टू वन होगा, वो कुछ भी हो सकता है, ग्रेटर देन वन हो सकता है, क्लियर? तो ये चीज मैं समझा रहा था, अब समझ में आया? अब क्लियर हुआ? यस और नो? कमेंट में तो आ ही जाएगा, लेट्स टेक क्वेश्चन, बहुत एक्साइटेड है ना कि अब क्वेश्चन लेते हैं, तब तो समझ में आएगा कि रियल क्या है। कैन पेनाल्टी फैक्टर भी लेस देन वन? ऑब्वियसली नहीं हो सकता, निगेटिव कैसे करोगे पेनाल्टी फैक्टर, लेस देन वन नहीं हो सकता, पेनाल्टी फैक्टर लेस देन वन नहीं हो सकता, डेल पी एल अपॉन डेल पी जी लेस देन वन होगा, ठीक है? चलो क्वेश्चन लिया जाए, बहुत एक्साइटेड हो, चलिए क्वेश्चन लेते हैं, आइए क्वेश्चन लेते हैं फटाफट, दो क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन गेट में आया नहीं है इससे, लेकिन दोनों क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये टू यूट्यूब पे रहेंगे लाइव के बाद या डिलीट हो जाएंगे? अभी तो रहेंगे यार, अब डिलीट कब होंगे मालूम नहीं, अभी तो रहेंगे, ठीक है? चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, पहला क्वेश्चन गेट का ही क्वेश्चन लूंगा, आपसे आंसर चाहूंगा कि आप आंसर दो, ठीक है? जितना मैं एक्सप्लेन किया हूं उससे आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका जनरेटिंग स्टेशन G1 है, बस 1 है, ये जनरेटिंग स्टेशन आपका G2 है, सेकेंड बस, फर्स्ट बस, इसके बीच में आपका एक लोड बस है कहीं पे, जो लोड ले रहा है 120 मेगावाट, ठीक है? और ये आपका 25 किलोमीटर है और ये आपका 75 किलोमीटर है, ठीक है? और लिखो, बहुत लंबा क्वेश्चन है, लिख लो, अ लोड सेंटर ऑफ 120 मेगावाट डिराइव्स पावर फ्रॉम टू जनरेटिंग स्टेशन कनेक्टेड बाय 220 केवी ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, इतना तो लिखने की जरूरत नहीं है। द जनरेटर G1, अच्छा यहाँ G3 भी है, ठीक है, यहाँ पे आपका G3 भी है, G1 G2 G3 तीन है, ठीक है? अब बोल क्या रहा है कि G1 G2 G3 आर ऑफ 100 मेगावाट कैपेसिटी, इसका भी 100 मेगावाट है, इसका भी 100 मेगावाट है, इसका भी 100 मेगावाट कैपेसिटी है, मतलब मैक्सिमम पावर ये 100 मेगावाट दे सकता है। तो यहां मैं लिख देता हूं, G1 G2 G3 आर हैविंग 100 मेगावाट कैपेसिटी, इतना शेयर कर सकता है। द मिनिमम लॉस जनरेशन शेड्यूल फॉर सप्लाइंग 120 मेगावाट लोड इज, द मिनिमम लॉस जनरेशन शेड्यूल फॉर सप्लाइंग 120 मेगावाट इज, ऑप्शन ए P1 P2 P3 80 मेगावाट प्लस लॉस 20 मेगावाट 20 मेगावाट, ऑप्शन बी P1 P2 P3, बताना है कितना लोड शेयर करेगा कौन और किस में लॉस को कंट्रीब्यूशन रहेगा वो बताना है, 60 मेगावाट 30 मेगावाट प्लस लॉसेस और ये भी आपका 30 मेगावाट, ऑप्शन सी P1 P2 P3 40 मेगावाट और लास्ट वाला जो है आपका P3 लॉस को शेयर करेगा, ऑप्शन डी P1 P2 P3 पूरा भर ही गया, क्या बनाऊंगा मैं, 30 मेगावाट प्लस लॉसेस 45 मेगावाट। बताइए जी, आंसर बताइए। सर मोनिका, सर प्लीज टेल इन इंग्लिश ऑल्सो। मोनिका डोंट वरी, वी आर प्लानिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑल्सो, राइट नाउ वी आर बिजी इन अनदर प्रोजेक्ट, दैट्स वाई वी आर नॉट गिविंग यू द ऑल द लेक्चर्स ऑफ पावर सिस्टम इन इंग्लिश, बट सून आई विल स्टार्ट इन इंग्लिश ऑल्सो, ओके?
So what you can do, just try to understand what I am telling you, and if anything is you are not able to understand, just let me know that please explain in English this part. I will explain you. Okay. Fine, Monica. There are lots of students who understand Hindi in a better way. Okay. That's why we launched the course in Hindi. But we can explain all the things in English also. So wait for that. Maybe from next year, or I think after live session, this Genic Optimus, after live session, we will plan for the English version also. So I will start the power system in English. Don't worry. Okay. Same concept. I will explain you all the things in crash course. Okay. So any South Indian guys who want to study power system by me, you can share with your friends also. If I think most probably in January or Feb, I will start the power system, okay, in English. So the whatever the content I gave you in crash course, that is in Hindi, same content I will provide you in English also, like fault stability, load flow, and the power system one part, all things I will explain you in English, okay. So lots of ongoing project are going on, okay. So because of that, I don't have any time, that much of time to again explain all the things that is already explained in the in English. Okay, that's why we are not starting, but soon I will start. Yes, Gajendra, economic load dispatch ka last lecture hai. Option A, Sonali, Anuj option A, Yashwant option A. Reason bhi de diya karo na. Can you step aside? Okay, lo bhag gaya main. Ab dekho. I want reason also. What is the reason behind this? Why we are considering the loss having more generation? Like you said, P1 is having 80 megawatt of generation, so losses will be included in P1. Why? If you are saying that option A is correct, then why losses are included in P1? I want the reason of that. Why not this one? Here also losses are included, so why not this one? Why we are not saying option D? Why we are saying option A? We have to analyze these things. Okay. Devendra is saying generator 1 is nearer to the load, that's why generator 1 will share more load. So according to Devendra, it is correct, because this load is 25 kilometer away from this generating station 1. So generator G1 will share more load, that is for sure. So I will go through the option. Generator G1 will share more load, that means out of 120, greater than 60 megawatt will shared by the generator G1. Now check the option. None of the option is matching except one. So I can easily write by using this concept that generator G1 will share more load, because the penalty factor of this G1 will be less than the G2 and G3, because it is 25 kilometer away from this load and it is 75 kilometer away from this load. So we can say generator G1 will share more load and generator G2 and G3 will share load equally. Why? Because the distance of the load from this G2 and G3 is same. Also, the maximum capacity of G2 and G3 is 100 megawatt, that is also same. So we can say generator G1, G3 will share equal load, first thing. Second, generator G1 will share more load than G2 and G3. That means only one option is matching, that is option A, 80 megawatt 2020. So G2, G3 will share equal load and generator G1 will share more load. Now, let us try to understand why losses are included in this. See, I already explained you that the load which is nearer to the generating station will have less losses, and these two generators G2, G3 will have more losses. So is it feasible to have losses included in G2 and G3? No, it is not feasible. That's why we are considering generator G1 sharing the more loss. So losses ko hum kis mein include kar diye G1 mein, and G2, G3 ko hum losses, iska jo losses hai, that is also included in G1 only. Okay, suppose the losses here, it is coming 5 megawatt. So I will not include the losses in 5 megawatt in G2 and G3 share. I will include in G1, means I will transfer extra 5 megawatt from G1 and I will include the loss in G1 only. Clear? Tension mat lo, South Indian, any South Indian students are watching, don't worry. I will explain all the crash course or power system crash course in English also. Just wait for that time, okay? And you can just mail us how many of you want power system in English also.
सो वी कैन ट्राई दिस, नो प्रॉब्लम. क्लियर? सुधीर, मोर शेयर लोड इंक्लूडेड, जी वन विल शेयर मोर लोड एंड जी टू इज लेस. फाइन 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 फाइन. तो जो मैं आपको कॉन्सेप्ट दिया हूं ना, वट एवर द कॉन्सेप्ट आई गेव यू, दैट इज मोर देन इनफ टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम. जस्ट यू हैव टू फोकस ऑन रिविजन एंड ट्राई टू सॉल्व मल्टीपल प्रॉब्लम्स फ्रॉम एनी बुक. ओके, यू विल, यू कैन इजिली सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम. नाउ यू यू वॉन्ट गेट एनी काइंड ऑफ इशू इन सॉल्विंग दिस इशू, दिस प्रॉब्लम. नॉट क्लियर अबाउट द लॉसेज, पाली? ओके, ठीक है, चलो हिंदी में समझो. लॉसेज हम क्यों इंक्लूड किए? सीधी सी बात है, देखो ये जो लॉस कंट्रीब्यूशन है ना, वो हम किससे देंगे? जो जिससे नजदीक होगा हमारा लोड से. जैसे जनरेटर जीवन हमारा नजदीक है, तो ऑब्वियसली इसका जो पेनाल्टी फैक्टर होगा ज्यादा होगा, कम होगा इन दोनों से. तो देखो यहां पे हम लोड जो 20 मेगावाट दे रहे हैं ना, तो 20-20 की वजह से यहां पे कुछ लॉसेस होगा, लेकिन वो कम होगा. और इसको 80 मेगावाट देंगे ना, तो उस जगह पे लॉसेज आपका ज्यादा होगा. क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली यहां पे डिस्टेंस ज्यादा है. अगर हम इसको 80 और 80 मान लो, हम एक्स्ट्रा और ज्यादा लोड देना चाह रहे हैं तो 80 80 देते हैं, तो यहां पे लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा. यहां पे जो लॉस होगा वो कम होगा. तो हमारे पॉइंट से पॉइंट ये है कि अगर आप 80 मेगावाट भी शेयर करोगे ना, तो इस जगह I1 जो फ्लो करेगा, देखो I1 जो फ्लो करेगा और यहां जो I2 फ्लो करेगा, I1 आपका ग्रेटर देन I2 है. क्यों ग्रेटर है? क्योंकि लोड शेयर ज्यादा हो रहा है लेकिन डिस्टेंस कम है, जिसके वजह से लॉसेज जो आपका P1 होगा, P1 जो लॉस होगा PL1, वो लेस देन PL2 होगा. तो लॉसेज कम हुआ ना जनरेशन, जनरेटिंग जीवन से, इसलिए हम कंट्रीब्यूट करते हैं कि लॉस जो आपका है वो जनरेटर जीवन शेयर कर रहा है. हम ऐसा कहते हैं कि जो भी लॉस हो रहा है इसमें, वो हम जनरेटर जीवन से देंगे. क्यों? क्योंकि ये नजदीक है. लॉस को तो कम, पावर बैलेंस को तो बराबर करना है ना. डिमांड प्लस लॉसेज इक्वल टू PG1 प्लस PG2 प्लस PG3. तो डिमांड तो सब दे रहा है, लेकिन लॉसेज किस में जाएगा? तो वो PG1 लॉस शेयर करेगा. लॉस जो पूरा हो रहा है वो PG1 के थ्रू दिया जाएगा, ये कहने का मतलब है. ठीक है, पावर बैलेंस में दिस इज डिमांड प्लस लॉसेज इक्वल टू PG1 प्लस PG2 प्लस PG3 होगा ना. सो दिस लॉस विल बी कंट्रीब्यूटेड बाई दिस जनरेटिंग स्टेशन 1, बिकॉज द पेनाल्टी फैक्टर ऑफ दैट जनरेटिंग स्टेशन इज लो. ट्रेवलिंग वेव एनालिसिस पे वीडियो बनाइए. चलिए पहले इसको बताइए, ये आपका समझ में आया कि नहीं? ओके ओके, एवरीबॉडी अंडरस्टूड? शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? टेल मी, एक और क्वेश्चन लिया जाए और वो जो आप सोल्व कर दोगे तो फिर हो गया, खत्म हो गया, उसके बाद हो गया. सो शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यस और नो? और शैल वी क्लोज दिस सेशन? बोर हो जाओ तो बता देना, ठीक है, क्लोज कर देंगे सेशन को. आप भी कुछ और काम कर लोगे, हम भी कर लेंगे, मजा आ गया. ओके चलो ठीक है, हंसते रहा करो. ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना, ज्यादा लंबा बैठने से इंसान थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, यार इतना टफ टफ चीज कैसे है. आसान, इसको गेम की तरह लोगे ना, ये तो एक काइंड ऑफ गेम ही हुआ ना, दिमाग यूज हो रहा है, गेम में भी दिमाग ही यूज होता है. थोड़ा सा दिमाग इधर उधर गया कि एक्सीडेंट, अगर कार रेस खेल रहे हो तो. एनीवे, तो कभी हंस भी लिया करो, ठीक है ना. चलिए अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आप बना दो मजा आ जाएगा. फिर हमको लगेगा कि मैं 5-6 घंटा जो आपको इकोनॉमिक लोड डिस्पैच पढ़ाया ना, वो मेरा पूरा हो गया. ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा, और इसको आप बना दो, मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी ये. अरे हंस रहे हो शुभंकर, हंस लिया करो कभी कभी, ठीक है. चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसी सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है आपका. ये G1 जनरेटिंग स्टेशन है, ये आपका बस हो गया, बस 1. उसी तरह यहाँ पे आपका G2 है, और देखो लोड लगा दिया है कहाँ पे, सेकेंड बस पे ही लोड लगा दिया है. अरे तुम लोग तो फार्द हो गए अब, सेकेंड बस पे ही लोड है कितना का? 40 मेगावाट का, ठीक है. और बोल क्या रहा है कि फ्यूल कॉस्ट दे दिया है आपको, फ्यूल कॉस्ट दे दिया है C1 ऑफ PG1, मतलब फ्यूल कॉस्ट दिया ना, इंक्रीमेंटल कॉस्ट दिया या फ्यूल कॉस्ट, रुपीज पर मेगावाट आवर इंक्रीमेंटल कॉस्ट दिया है. ओके, सो C1 PG1 जो आपको दिया है
वो 10,000 दे दिया, 10,000 जनरेटिंग स्टेशन वन का रुपीस पर मेगावाट आवर। अब देखो यूनिट से ही समझा पाओगे कि यूनिट से ही हम पकड़ पाएंगे कि ये दिया क्या है। देखो रुपीस पर आवर पर मेगावाट क्या होता है, 10,000। सिमिलरली सी टू इज गिवेन विच इज अ फंक्शन ऑफ पी जी टू, इट इज गिवेन एज 12,500 रुपीज पर मेगावाट आवर। ओके, सो इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग स्टेशन वन एंड सेकेंड आर गिवेन एंड इट इज सेइंग दैट पावर लॉस इन ट्रांसमिशन लाइन इज इक्वल टू 0.5 टाइम्स ऑफ P1, दिस इज PG1 ना, तो 0.5 टाइम्स ऑफ PG1 का स्क्वायर इन पर यूनिट। ध्यान रखिएगा दिस इज पावर लॉस इन पर यूनिट है, पावर लॉस इन पर यूनिट इज इक्वल टू 0.5 टाइम्स ऑफ PG1 इन पर यूनिट। ऑब्वियसली इस पे तो डिपेंड करेगा ना, इसका लॉस तो जीरो, इसका तो L2 क्या होगा, L2 तो हम सीधे बोल सकते हैं 1 होगा देख के ही, L1 आपका डिपेंड करेगा उससे आपका कुछ आएगा तो ऑब्वियसली सिर्फ 1 पे ही तो डिपेंड करेगा पावर लॉस, तो वही दिया हुआ है। और वेयर लॉस कोफिशियंट इज स्पेसिफाइड इन पर यूनिट, वेयर लॉस कोफिशियंट इज स्पेसिफाइड इन पर यूनिट ऑन 100 MVA बेस, द मोस्ट इकोनॉमिक पावर जनरेशन शेड्यूल इन मेगावाट इज, क्वेश्चन है द मोस्ट इकोनॉमिक पावर जनरेशन शेड्यूल इन मेगावाट इज ऑप्शन ए। मैं सीधे P1 लिखता हूँ, PG1 लिखने में ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है, तो याद रखिएगा, ऐसा मत बोलिएगा गड़बड़ हो गया। P2 इज इक्वल टू 22 मेगावाट में है सब, ठीक है, उसी तरह P1 इज इक्वल टू आपको मिल रहा है ऑप्शन बी 22, P2 इज इक्वल टू 20 सब मेगावाट में है, ऑप्शन सी P1 इज इक्वल टू 20 एंड P2 इज इक्वल टू 20, ऑप्शन डी P1 इज इक्वल टू 0 एंड P2 इज इक्वल टू 40, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है बिल्कुल। सो सॉल्व दिस, सर टेस्ट सीरीज में कुछ कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो उसके लिए देखो टेस्ट सीरीज @jnikeducation.com है, ठीक है, उस पर जाके लिख दो या फिर आप एक काम करो 9837933283 पे लिखवा लो, है ना, वहाँ पे बता दो या फिर पंकज सर को टैग कर दो फेसबुक ग्रुप में, तीन ऑप्शन दिया हूँ, यहाँ पे बोलने से नहीं होगा, यहाँ सिर्फ इकोनॉमिक पावर जनरेशन, इसके अलावा कुछ नहीं। चलिए सॉल्व कीजिए, आप लोग तो जेनियस हैं ही, सॉल्व तो कर ही लोगे। अनुज पहले ऑप्शन बी बाद में ऑप्शन ए, एमएस क्यों नहीं है अनुज, हर्ष ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, सबका ऑप्शन ए आ रहा है, ए या डी, हर्ष ऑप्शन ए या ऑप्शन डी, ऐसा क्या है भाई डी क्यों बोल रहे हो, मतलब ये कुछ पावर ही नहीं देगा, क्यों ऐसा क्यों भाई, ऐसा किसने कह दिया कि ये पावर ही नहीं देगा, इंक्रीमेंटल कॉस्ट के हिसाब से पावर तो देना चाहिए, ये दोनों इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, लॉस आपका दे दिया 0.5 PG1 पर यूनिट, लॉस कोफिशिएंट ऐसा है, द मोस्ट इकोनॉमिक पावर जनरेशन शेड्यूल मेगावाट में क्या होगा, ऑप्शन डी ऑप्शन ए ऑप्शन बी सबका अलग अलग आ रहा है, अरे एफ शुभांकर कहाँ हो, ऑप्शन बी क्या है, P1 22 P2 20, देखो कायदे से देखो सोनाली सोनल कुमारी ऑप्शन बी बोल रही हो ना,
देखो यहाँ पे ऑप्शन बी कायदे से देखो तो जनरेटिंग स्टेशन जी टू विल शेयर मोर लोड, ये तो श्योर है। क्यों? क्योंकि देखो लोड इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू बस टू, मीन्स द पेनाल्टी फैक्टर ऑफ दिस इज वन, मीन्स इट विल शेयर मोर लोड। द पेनाल्टी फैक्टर विल बी ग्रेटर देन वन हीयर एल टू, मीन्स एल टू इज लेस देन एल वन इज ग्रेटर देन वन ऑब्वियसली। तो जिसका इनके आपका पेनाल्टी फैक्टर कम वो ज़्यादा शेयर करेगा लोड, तो उसको देख के तो पी टू तो हम डायरेक्टली बोल देंगे ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन बी कैसे कर दिए? ऑप्शन बी में तो पी टू कम है, ऑप्शन सी भी हम काट देंगे बिना पढ़े हुए, बिना सॉल्व किए हुए हम बी सी काट देंगे, सीधे बी सी काट देंगे। ऑप्शन डी देखो, ऑप्शन डी भी काट देंगे। कैसे काट देंगे? देखो इसमें भी कॉन्सेप्ट है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखो इंक्रीमेंटल कॉस्ट में ऐसा नहीं है 10,000 एक 50,000, ऐसा रहता तो हम कह सकते थे कि भाई इसका इंक्रीमेंटल कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा है यार, तो फिर हो सकता है मैच ही ना हो, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन ऑप्शन डी आप देखो दोनों का इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑलमोस्ट लगभग लगभग बराबर के आसपास में ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है अगर आप जनरेशन ज़्यादा कर रहे हो उस पॉइंट को देखते हुए। तो ऑप्शन डी में ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये शेयर ना करे कुछ लोड, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसका लोड शेयर बाई जीवन विल बी जीरो। वाई? बिकॉज दिस इज कनेक्टेड विद डायरेक्टली विद द लोड बाय अ ट्रांसमिशन लाइन, सो ट्रांसमिशन लाइन करंट मस्ट फ्लो, करंट विल फ्लो एंड जनरेटर जीवन विल ऑल्सो शेयर सम लोड, दैट मीन्स पी वन विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो बी सी डी तो काट ही दिए हम फट से, तो यही तो बच रहा है, टिक मार के आ जाओ बिना पढ़े लिखे, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझ के जो मैं कॉन्सेप्ट कराया हूं। यस एवरीबॉडी, कोई चाहता है मैं सॉल्व करूं इसको? कोई चाहता है मैं सॉल्व कर दूंगा? नो इशू। बिल्कुल, लॉस किस में कंट्रीब्यूट करोगे? लॉस किस में कंट्रीब्यूट करोगे? जिसका पेनल्टी फैक्टर कम होगा, मतलब पी टू में 2 मेगावाट आपका जी टू दे रहा है एक्स्ट्रा लॉस। हम बोले ना कि जिसके नजदीक होगा वो लॉस कंट्रीब्यूट करेगा। पिछला वाला क्वेश्चन देखो कि 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे लोड कनेक्ट था, मतलब वो लॉस कंट्रीब्यूट कर रहा था। यहां देखो जनरेटर आपका, इसमें लॉस कितना आ रहा है? 2 मेगावाट का, 2 मेगावाट का लॉस जो है वो कौन शेयर कर रहा है? आपका जी टू। समझ में आया? इसलिए हम इस तरह से बताए थे पिछला वाला में। ओके, 2 में, वेरी नाइस। वाह यार मजा आ गया, चलो हमारा लाइव सेशन लेना सफल रहा, 5 घंटा 6 घंटा जो खड़ा रहा हूँ यहाँ पे वो सफल रहा आप लोग का आंसर देख के, ठीक है, अच्छा लगा। चलो इसको सॉल्व करना चाहते हैं, सॉल्व कर दूँ? जीवन पर मिनिमम लॉस ऑब्वियसली गिवेन ऑप्शन ए आर टू क्लोजली। हाँ सही बात है ना शुभंकर, उस तरह से सोच सकते हैं, बिना पढ़े बिना सॉल्व किए हुए भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको, है ना। तो इसमें आप ध्यान दो, इसमें अगर आपको L1 और L2 फाइंड कर लिए तो आपका काम हो जाएगा। L1 L2 अगर आप फाइंड कर लिए तो आपका काम आ जाएगा। तो देखो L2 तो ऑब्वियसली 1 होगा, हम लोग ऑलरेडी नोट में देख चुके हैं, इसको क्या एक्सप्लेन करना, डायरेक्टली बस से कनेक्ट है, लॉसेस होगा ही नहीं, L2 1 हो गया। L1 की अगर हम बात करें तो L1 जो होता है उसके लिए हमको निकालना होगा डेल PL अपॉन डेल P1, समझ में आ रहा है, और ये हमको निकालना होगा। तो उससे पहले हमको PL लिखना होगा, दैट इज इक्वल टू B11P1 स्क्वायर। होता है ना 2 बस सिस्टम में, बाकी सब तो जीरो हो जाएगा, हम लोग देखे भी थे। तो B11 की वैल्यू कितनी है? 0.5 पर यूनिट। B11 की वैल्यू कितनी है? 0.5 पर यूनिट, सही है। तो B11 अगर आपका 0.5 पर यूनिट में है ऑन 100 MVA बेस, ऑन 100 MVA बेस। अब आप मुझे बताओ पर यूनिट है तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू तो पता होना चाहिए ना? एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होगा क्योंकि ये देखो ये एग्जैक्ट वैल्यू में आंसर दे रहा है 22 मेगावाट, ये पर यूनिट में नहीं है। तो ये जो पर यूनिट वैल्यू है उसको हमको एग्जैक्ट में लाना होगा। अब उसके लिए आपको मैं कल कराया था लॉस कोफिशियंट का जो यूनिट होता है, याद होगा, मेगावाट इनवर्स होता है, ठीक है। तो उस पॉइंट को देखते हुए अगर हमको B11 अगर एक्चुअल निकालना है तो B11 एक्चुअल क्या हो जाएगा? 0.5 पर यूनिट अपॉन बेस MVA। अब सोचोगे सर हमेशा तो हम बेस MVA से मल्टीप्लाई करते हैं, पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय बेस MVA, एग्जैक्ट शॉर्ट सर्किट MVA में क्या करते हैं? शॉर्ट सर्किट MVA इन पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय बेस MVA, ऐसा ही करते हैं। लेकिन यहां पर डिवाइड हो रहा है, क्यों? क्योंकि देखो यूनिट मेगावाट ऊपर है, सीधे समझो मेगावाट इन पर यूनिट, आपको मेगावाट अगर एक्चुअल चाहिए
मेगावाट एक्चुअल चाहिए तो मेगावाट इन पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाई बेस एमवीए करते हैं ना ऐसा, पर यूनिट को मल्टीप्लाई कर दो बेस में तो एक्चुअल मिल जाएगा, यहाँ डिवाइड कर रहे हैं क्यों, क्योंकि वन अपॉन लो ना, वन अपॉन लोगे तो समझ में आएगा कि जो वैल्यू दिया हुआ है वो ये तो आपका बी वन वन है ही, लेकिन अगर मेगावाट इन्वर्स हो जाए तो बेस एमवीए इन्वर्स नहीं होगा, ये तो आपका ऑब्वियसली ये भी इन्वर्स हो जाएगा। अब ये जो इन्वर्स है यही आपका बी वन वन होगा और ये बेस एमवीए इन्वर्स मतलब यहां आ गया, समझ में आया, तो यही आपका बी वन वन एक्चुअल हो जाएगा, तो इसलिए डिवाइडेड बाई बेस एमवीए। तो इसको आप डिवाइड कर दो 100 से तो ये आपको 0.005 मिल जाएगा, ये आपका एक्चुअल वैल्यू। अब एक्चुअल वैल्यू क्यों आपको जैसे ही पता चल गया उसके बाद आपके लिए कुछ नहीं है, उसके बाद आपको क्या करना है, बी वन वन 0.005 पी वन स्क्वायर, ये आपका पी एल हो गया, तो डेल पी एल अपॉन डेल पी वन क्या आएगा, ठीक है ऐसा कुछ आएगा, ये पता चल गया। उसी हिसाब से L1 निकाल लेंगे 1 अपॉन 1 माइनस 0.01 पी वन, तो ये हमारा L1 हो गया। IC1 दिया हुआ है तो फॉर इकोनॉमिक ऑपरेशन L1 इंटू IC1 इज इक्वल टू L2 इंटू IC2। L1 आप वैल्यू पुट कीजिए 1 माइनस 0.01 पी वन, L2 1 है IC2, ये मल्टीप्लाइड बाय IC1 होगा ना, IC1 कितना है 10,000 इज इक्वल टू L2 कितना है, L2 आपका 1 है मल्टीप्लाइड बाय 12,500, यहाँ से आपको P1 मिल गया। P1 जैसे ही मिला आप PL निकाल सकते हो, PL कितना होगा, PL इज इक्वल टू 0.005 P1 स्क्वायर, तो यहाँ से आप P1 निकालो, P1 आपको जो मिलेगा वो 20 मेगावाट, इस 20 मेगावाट को यहाँ पुट कीजिए PL आपको मिल जाएगा 2 मेगावाट। तो हमको पावर बैलेंस से मालूम है डिमांड प्लस लॉस इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू, पी वन हमको पता है 20, पी एल हमको मिल गया 2, डिमांड 40, 42, पी वन 20, तो पी टू कितना 22 मेगावाट। तो देखो इस क्वेश्चन में बहुत सारा कंक्लूजन आ गया, ठीक है बहुत सारा कंक्लूजन हो गया कि देखो पी टू आपका शेयर कर रहा है मोर लोड, पी वन आपका कम लोड शेयर कर रहा है, लॉस कौन शेयर कर रहा है, तो ऑब्वियसली देखो P2 में लॉस ज्यादा है ना, P2 में लॉस शेयर कर रहा है ना, P2 2 मेगावाट लॉस शेयर कर रहा है, P1 नहीं कर रहा। तो जिसका आपका जो लोड है वो अगर नजदीक होगा जनरेटिंग स्टेशन से जिससे वो लॉस कंट्रीब्यूट करेगा और शेयर भी ज्यादा करेगा लोड को, तो ये पॉइंट लिख लीजिए, लोड विच इज नियरर टू द जनरेटिंग स्टेशन विल शेयर मोर लोड एज वेल एज विल कंट्रीब्यूट द लॉसेस, ठीक है समझ गए। अरे गांगली मजा आ गया, नेक्स्ट टॉपिक फॉल्ट स्टेबिलिटी, क्रैश कोर्स तो दिया हूँ फॉल्ट स्टेबिलिटी का, क्या क्वेश्चन कराऊं शुभांकर, चलो सब लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं क्या, ठीक है तो चलो इतना चीज यही है आपका इंक्रीमेंटल कॉस्ट, अब आपका खत्म होता है, अब आप भागो नहीं, भागो नहीं, अभी एक चीज बचा हुआ है आपके लिए, एक मैं बहुत अच्छा चीज रखा हूं, है ना, तो भागना मत, पहले इतना बताओ ये क्लियर हुआ, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, इसका ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, और बिना पढ़े हुए बिना हम सोल्व किए हुए भी बता सकते थे कि यही आंसर होगा, है ना, तो कर सकते थे। चलिए अब आपको क्या करना है, अब आप जो भी हमको डे वन से फॉलो कर रहे हैं, जो भी डे वन से बीच में जो आए हैं उनकी बात मैं नहीं करूंगा, बीच वाले जाकर आप पहले देखो जो मैं पढ़ाया हूं उसको देखो, ठीक है, इकोनॉमिक लोड डिस्पैच जो सिलेबस में इंक्लूड हुआ है विथ लॉसेस एंड विदाउट लॉसेस, वो दोनों मैं आपको कंप्लीट करा दिया, और कभी भी गेट एग्जाम में 2 बस सिस्टम ही आएगा, 3 बस सिस्टम नहीं आ सकता, ईएस में पूछ सकता है कन्वेंशनल में, लेकिन गेट में नहीं पूछेगा क्योंकि उसमें टाइम लग जाएगा 3-3 इक्वेशन सॉल्व करने में और आपके पास टाइम उतना नहीं होता है। ठीक है ना, चलिए अब आप क्या कीजिए, जो लोग भी डे वन से फॉलो किए हमें, डे वन का मतलब क्या होता है कि जो हम इकोनॉमिक लोड डिस्पैच
वन से स्टार्ट किए हैं, उन लोगों को पता होगा कि अगर आप यूट्यूब पे लिखोगे इकोनॉमिक लोड डिस्पैच, नंबर वन पे आ रहा है। मैं बोला था ना थर्ड पे चल रहा है, अभी नंबर वन पे आ रहा है आप ही लोग की वजह से। ठीक है, आप लोगों ने शेयर खूब किया है लग रहा है। वॉच टाइम जिसका ज़्यादा होता है उसको ऊपर यूट्यूब रैंकिंग करती है, लाइक डिसलाइक व्यूज मैटर नहीं रखता है। मैं बार बार बोलता हूँ जिसका वॉच टाइम एवरेज वॉच टाइम ज़्यादा होता है। तो नंबर वन हम लोग एक्वायर कर लिए हैं, वैसे ही और भी टॉपिक लाएंगे, डोंट वरी। अब क्या करिए, ये जो भी आपका 4 से 5 पेज 6 पेज का जो इकोनॉमिक लोड डिस्पैच हुआ है, तो मेरा जो लास्ट पढ़ाने का तरीका यही होता है कि जब भी मैं टॉपिक कंप्लीट करता हूँ उसका एक समरी जरूर देता हूँ। तो लास्ट पेज में अब आप समरी लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही मेन है। मतलब समरी का मतलब क्या हुआ, ये आप शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करना। जो 5-6 पेज आपका लगा होगा इकोनॉमिक लोड डिस्पैच में, उसको आप कंप्रेस करके हाफ पेज में लाओगे। ठीक है, चलिए इसमें देखिए, सबसे पहले समरी में लिखना है अपने को कॉस्ट फंक्शन एफ इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 जहां तक FN, इसका यूनिट क्या होगा, रुपीज पर आवर। बस इतना ही लिखना है, बाकी चीज हम समझ जाएंगे। इंक्रीमेंटल कॉस्ट DF अपॉन DP, बस यही लिखिए। P1 होगा तो P1 लेंगे, P2 है तो P2 लेंगे, DF1 DF2 अपॉन DP2 DF3 अपॉन DP3 DFN अपॉन DPN इक्वल टू लैम्डा। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट में लिखना है अंडर इकोनॉमिक ऑपरेशन, लिख लीजिए बहुत काम आएगा। इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑल जनरेटिंग यूनिट आर इक्वल, अंडर इकोनॉमिक ऑपरेशन इन लॉसलेस सिस्टम। लॉसलेस सिस्टम देना जरूरी है। जनरेटिंग यूनिट विथ लेस इंक्रीमेंटल कॉस्ट विल शेयर मोर लोड। इफ इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ फर्स्ट इज नॉट कॉन्साइड विथ इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ सेकेंड। मैं फर्स्ट और सेकेंड जनरेटर का दोनों का ले रहा हूं कि अगर कॉन्साइड नहीं कर रहा है अंडर लिमिटेशन, कॉन्साइड अगर नहीं कर रहा है देन जनरेटिंग यूनिट विल शेयर मैक्सिमम लोड हुज इंक्रीमेंटल कॉस्ट इज लेस। याद है जो मैं आपको ऐसा ग्राफ से कराया था, ये है और ये है, ये दोनों कभी कॉन्साइड नहीं कर सकता। इंक्रीमेंटल कॉस्ट आपका ये मान लो 2 है, ये फर्स्ट है, तो फर्स्ट का हमेशा इंक्रीमेंटल कॉस्ट ज्यादा है सेकेंड से, कभी भी कॉन्साइड नहीं कर सकता। तो उस केस में 2 विल शेयर मैक्सिमम पावर, जिसका देखो शेयर मैक्सिमम लोड हो इंक्रीमेंटल कॉस्ट इज लेस, मतलब सेकेंड वाला आपका मैक्सिमम पावर शेयर करेगा पहले, मतलब पूरा मैक्सिमम जितना लिमिट है वो शेयर कर देगा, उसका जो बच रहा है वही आपका फर्स्ट वाला शेयर करेगा। तो वही मैं लिखाया यहाँ पे। ठीक है, इतना हो गया। तो ये हुआ आपका लॉसलेस सिस्टम का। अब इसी में और बढ़ाओ, इसी में पॉइंट नंबर आगे बढ़ाओ, पॉइंट नंबर 3 हो गया, पॉइंट नंबर 4 आइए। इन लॉसलेस नहीं होगा, ट्रांसमिशन लाइन विथ लॉसेस PL इज इक्वल टू समेशन ऑफ
I is equal to 1 to n summation of j is equal to 1 to n b I j p I p j, ठीक है, ये लिख लीजिए। पांचवा, अंडर इकोनॉमिक ऑपरेशन विथ लॉस, अंडर इकोनॉमिक ऑपरेशन विथ लॉस IC1 L1 will be equal to IC2 L2 will be equal to IC3 L3 and so on. आगे बढ़िए, फिफ्थ पॉइंट हो गया। सिक्स्थ, जनरेटिंग यूनिट विल शेयर मोर लोड हुज पेनाल्टी फैक्टर इज लेस। अंडर इकोनॉमिक ऑपरेशन इसमें एक और चीज डाल दीजिए, ऑल दो इंक्रीमेंटल कॉस्ट विल बी हायर बट लोड शेयरिंग More load sharing is decided by penalty factor. देखो पॉइंट नंबर सिक्स एंड पॉइंट नंबर टू, देखना पॉइंट नंबर सिक्स और पॉइंट नंबर टू दोनों को रेड कर लो, स्टार कर लो, जो करना है करो। पॉइंट नंबर टू और पॉइंट नंबर सिक्स दोनों को आप रेड भी कर सकते हो, स्टार भी कर सकते हो। तो ध्यान से देखो, दोनों को, दोनों एक दूसरे के से उल्टा पुल्टा हो गया हुआ है। वहां पे इंक्रीमेंटल कॉस्ट जिसका कम है, यहाँ है ना, देखो पॉइंट नंबर टू ही था शायद इंक्रीमेंटल, हाँ यहाँ पॉइंट नंबर थ्री, थ्री करो, थ्री और सिक्स देखो। जनरेटिंग यूनिट विल जनरेटिंग यूनिट हैव ना होगा यहाँ पे, विल थोड़ी ना होगा, जनरेटिंग यूनिट हैव लेस इंक्रीमेंटल कॉस्ट विल शेयर मोर लोड। लेकिन यहाँ देखो पॉइंट नंबर सिक्स, अगर लॉस इंक्लूड कर रहे हैं तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट हाइयर है, जिसका इंक्रीमेंटल कॉस्ट हाइयर उसका पेनाल्टी फैक्टर कम, तो वो ज़्यादा शेयर करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अंडर इकोनॉमिक ऑपरेशन इंक्रीमेंटल कॉस्ट जिसका ज़्यादा वो आपका ज़्यादा लोड शेयर कर रहा है विथ लॉसेज में, लेकिन यहाँ पे इंक्रीमेंटल कॉस्ट जिसका कम वो ज़्यादा शेयर करता है, तो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? तो ये छह पॉइंट जो मैं आपको लिखाया ना, यही है बस, इसी पे पूरा गेम ओवर होता है, और इसी को आप शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करना और इस छह पॉइंट से पूरे कॉन्सेप्ट को रिकॉल करने की कोशिश करना, क्योंकि यही छह पॉइंट आपके काम का है। मैं हट जाता हूं, आप लोग एक बार नोट कर लो, उसके बाद जो आपको डाउट होता है वो डाउट हम क्लियर करेंगे 5 मिनट, फिर इस लेक्चर को बंद कर देंगे, तो आप जा सकते हो, फ्री हो। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी आपको प्रॉब्लम है इकोनॉमिक लोड शेयर में, आप बिल्कुल आप पूछो, फेसबुक में टैग करके पूछो, या फिर अगर किसी और को समझ में नहीं आ रहा है भाई इनके इंक्रीमेंटल ये आपका कहाँ से पढ़ें, तो आप उनको गाइड करो, भैया जेनिक एजुकेशन में इकोनॉमिक लोड डिस्पैच जाके लिखो, YouTube पे इकोनॉमिक लोड डिस्पैच लिखो, नंबर वन पे जो आएगा आंख बंद करके उसको पढ़ लेना, उसमें टोटल का टोटल कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। मैं 100% कॉन्सेप्ट यहाँ दिया हूँ, ऐसा नहीं दिया हूँ कि YouTube पे कुछ छुपा लिया, वैसा काम नहीं किया हूँ, 100% कॉन्सेप्ट दिया हूँ। कितना दिन तक रहेगा नहीं मालूम, लेकिन यही चीज़ पेड कोर्स को भी जाएगा। अलग से अगर मैं शूट करके दूंगा तो 6 घंटा लाइव सेशन में लगाया, तो 4 घंटा आपका रिकॉर्डेड वीडियो होगा, इससे ज़्यादा क्या होगा, लेकिन यही चीज़ पढ़ाऊंगा। तो इसका, इसको, इस वैल्यू को, इसके वैल्यू को आप समझिए,
ठीक है, यही मैं अगर बोल देता ना इकोनॉमिक लोड डिस्पैच आओ, मतलब कुछ पेड कोर्स में दिया जाएगा, तो आप लोग 10 लोग खरीद लेते कि अच्छा इकोनॉमिक लोड डिस्पैच आ रहा है। लेकिन वैसा नहीं किए, क्योंकि बीच में सिलेबस चेंज हुआ है, तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारे यूट्यूब कम्युनिटी को कुछ प्रॉब्लम हो उससे, या फिर हमारे पेड यूजर को कुछ प्रॉब्लम हो। दोनों लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। रेस्ट जितना भी और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है हम अच्छे से पेड कोर्स में पढ़ाए हैं, जो आप रिव्यू है आप ले सकते हो स्टूडेंट से, हमसे मत लो। मैं खुद पढ़ाया हूँ तो मैं अपने आप को कैसे बुराई करूंगा, वो तो कर ही नहीं सकता ना, तो हमसे लेने की जरूरत नहीं है, स्टूडेंट से लीजिए। तो स्टूडेंट आपको बताएंगे कि इस तरह का कंटेंट है, कैसा है, और उस हिसाब से आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये था हमारे साइड से इकोनॉमिक लोड डिस्पैच, जो कि 100% आपको कंटेंट दिया गया है। आप अगर इसका नोट्स बना लिए हो तो उस नोट्स को एक बार PDF बना के मेरे को भेज देना ना। मेरे पास नोट्स वोट्स रहता नहीं है, मैं पढ़ वढ़ के सीधे लेक्चर बनाता हूँ, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आप देखो, तो अगर आप लोग में से कोई अच्छा नोट्स बनाया है जो हमको फॉलो किया है ना, आप क्या करना, मेरे को मेल कर देना ना, ठीक है। इतना तो कर ही सकते हो ना, जेनिक पटना @gmail.com, ठीक है, इस पे मेल कर देना मेरे को नोट्स, मैं आप ही का नोट्स रख लूंगा, ठीक है। उसी से मैं देखूंगा कि अच्छा क्या पढ़ाना है। jenikpatna@gmail.com। ऑब्वियसली पटना में 50% डिस्काउंट चल रहा है, जो लोग भी पटना से लेते हैं उनको 50% डिस्काउंट हम लोग देते हैं GDPD कोर्स पे। और Volume 1 भी हमारे पास बुक है, Volume 2 भी 1-2 दिन में आ जाएगा, तो बुक भी आप आके पटना ऑफिस से ले सकते हो। चलिए, तो अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ, उसके बाद इसको स्टॉप करता हूँ। क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें, देखो CL वाधवा में होगा, ठीक है। इसमें कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, हर एक टाइप का सेम ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। मतलब जो मैं कराया हूँ डिफरेंट वैरायटी का, बस वही वैरायटी है, उसी से रिलेटेड आपका बाकी जगह न्यूमेरिकल मिलेगा। अगर सपोज करो एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है, या फिर किसी टेस्ट सीरीज में देखोगे, तो जितना वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मैं लिया हूँ उसी में से रहेगा, अलग से कुछ नहीं रहेगा। तो जो नोट्स है उसको प्रॉपर फॉलो कीजिए। और छोटा सा टॉपिक था यार, मतलब 1 घंटा, हमको लगता है कि आधा घंटा भी अगर रिविजन करोगे तो कम्प्लीट हो जाएगा, और इससे क्वेश्चंस आने के भी चांस है, क्योंकि सिलेबस में इंक्लूड किए हैं। नहीं आया तो कोई बात नहीं, कोई टफ था नहीं, आसान तो बना ही दिया हूँ, ठीक है। ओके शुभंकर सर, नेक्स्ट फॉल्ट ले लो। फॉल्ट में कराया हूँ क्रैश कोर्स में, हाँ क्वेश्चंस कुछ निकालता हूँ, अच्छा, जो आपको डाउट हो सकता है। 1-2 क्वेश्चन है मेरे पास जो स्टूडेंट हमसे मेल से पूछे थे कि सर इसका आंसर क्या होगा, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन था, तो वो सब हो सकता है मैं लाऊं, 1-1 घंटा का सेशन निकाल लूंगा। और एक स्टूडेंट कल बोल भी रहा था कि मोटिवेशन सेशन लेने को, तो कल तो आपका मैराथन है 12 घंटे का, कल तो मोटिवेशन होगा नहीं, कल तो आपको मोटिवेट रहना है 12 घंटा, मतलब डिस्चार्ज शेयर करा लो, ठीक है, छोड़ना मत। चॉपर सोच के ये मत सोच लेना कि अरे यार चॉपर तो आता है, हम तो बहुत जगह से पढ़ लिए, जो मैं बताऊंगा ना वो नहीं पढ़े होगे, लिख के ले लो। अगर कोई इंस्टीट्यूट में पढ़े होगे तभी उसको मालूम होगा, ऐसे यूट्यूब वूट्यूब पर नहीं है वो चीज़, है ना। तो वो चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, तो कल रेडी रहिएगा। 2 से 6 हमारा सेशन है, 6 बजे के बाद पंकज सर का है, और 10 से 2 चंदन सर का है, वो आप रेडी रहना। और 12 घंटा कंटिन्यू पढ़ो ना, अपने आप को चेक करो ना, कहाँ पर हैं हम, कितना हम पानी में है, कितना हम 12 घंटा बैठ पा रहे हैं कि नहीं, ये सब भी तो चेक करो तो पता चलेगा। और इंटरनेट क्या है, अगर 4 GB का अलग से पैक बूस्टर डाला लोगे ना, 21 आई थिंक 21 या 42 रुपये का आता होगा मेरे हिसाब से, तो 50 रुपये खर्चा कर लो, ठीक है, क्योंकि कंटेंट जो मिलेगा वो सुपर मिलेगा, बहुत खतरनाक कंटेंट मिलने वाला है। अब वो YouTube पे रहेगा कि नहीं रहेगा इसका गारंटी बिल्कुल नहीं है, हम लोग को लगा तो हम लोग हटा भी सकते हैं, नहीं तो रख भी सकते हैं, डिपेंडिंग के क्या है नहीं है, कैसा हमको उसका रिव्यू मिल रहा है, किस तरह से लोग उसके लिए हैं, मतलब जितना ज़्यादा उसके लिए रहेंगे कि भाई हमको चाहिए चाहिए, तो फिर उसको रखेंगे, अदरवाइज फिर उसको रखने का कोई मतलब नहीं है, उसको हटा भी सकते हैं, ठीक है। यस चंदन सर, कल क्वेश्चन कराएंगे, प्रॉपर आपका एनालॉग चलेगा, ओपैम टॉपिक है, ओपैम पढ़ो, हिल जाओगे एकदम, बहुत खतरनाक लेने वाले हैं, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन लेंगे, और उसी हिसाब से आप लोग इंटरेक्ट करो, मजा, मतलब सोचो हम लोग का जेनिक टीम, आप देखोगे तो मैं भी बहुत ज़्यादा लेट से आता था यूट्यूब पर, ज़्यादा नहीं आता था, और सिर्फ पंकज सर ही यूट्यूब पे रहते थे ज़्यादातर, चंदन सर भी रहते थे, मैं नहीं रहता था। तो अभी हम लोग प्लान बनाए अच्छे से कि जेनिक टीम पूरा, मतलब को फाउंडर रहेंगे तो रहेंगे, ठीक है, तो हम लोग भी अब आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे और इसी तरह का कंटेंट देंगे। कोई फालतू बात करने के लिए यार मेरे पास भी टाइम नहीं है, आपके पास भी टाइम नहीं है कि बैठ के सुने आई एम बेस्ट वी आर बेस्ट, कोई मतलब नहीं है। वी आर बेस्ट आई एम बेस्ट वो बाहर शो करने से नहीं होता है, आप अंदर से क्या हो आपको पता है ना, तो दूसरा क्या कह रहा है नहीं कर रहा उसे क्या मतलब है, अपने को मालूम है कि अपन लोग क्या काम कर रहे हैं, किस लेवल का एफर्ट कर रहे हैं, बैकएंड पे क्या काम कर रहे हैं, मज़ेदार कुछ कर रहे हैं, कुछ आपके लिए अच्छा कंटेंट ला रहे हैं, जेनिक ऑप्टिमस ला रहे हैं, है ना, तो कुछ अच्छा अच्छा कर रहे हैं, फिर आपका सोचो तो ऐप भी हम लोग का रेडी है, ऐप भी ला रहे हैं, तो ये सब कैसे हो रहा है, ये सब
हमेशा YouTube पे आने से नहीं हो रहा है, ये सब बैठ के पीछे रिग्रस मेहनत करना पड़ रहा है। उसी तरह से जो स्टूडेंट है मैं उनको भी बोलता हूँ कि हमेशा YouTube पे Facebook पे रहने की जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से आओ, लेकिन रेस्ट आप जो सेल्फ स्टडी घर में बैठ के करते हो दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। जो सेल्फ स्टडी आप बैठ के अकेले बिना मोबाइल का करते हो ना घर में, वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, उससे आपकी रैंक आएगी, क्योंकि उसी टाइम में आपका थॉट प्रोसेस आप चेक कर पाओगे कि हम क्या कर पा रहे हैं, हम कैसे सोल्व कर पा रहे हैं। हमेशा आके मैं ही बता दूंगा आपका कहाँ से ग्रोथ होगा, है ना। तो वो चीज़ था, बहुत सारी चीज़ें थी बीच में, पापा मम्मी का भी तबीयत सही नहीं रहता था जिसकी वजह से नहीं आता, लेकिन अब हाँ, अब कंटिन्यूटी रहेगी हम लोग की, सबकी अच्छे से कंटिन्यूटी रहेगी, क्योंकि हम लोग लाइव सेशंस का क्लास भी ला रहे हैं, ऐप भी हम लोग का अनाउंस होने वाला है, और प्रॉपर जैसे आपका GDPD कोर्स है उस तरह का हमारा 1 ईयर 2 ईयर लाइव सेशन का भी कोर्स आने वाला है। तो बहुत कुछ आएगा, बस हम लोग जितना एनर्जेटिक है ना उतना ही आप रहो और अच्छे से पढ़ो, और कॉस्ट की चिंता मत करो, कॉस्ट हमेशा से जेनिक का मिनिमम ही रहा है तो मिनिमम ही रहा है। देखो उसका वजह है, एक पब्लिसिटी में हम लोग बिल्कुल भी खर्चा नहीं करते, पब्लिसिटी मतलब जो हमारा होता है आप लोग जो शेयर करते हो माउथ पब्लिसिटी है वही है, बाकी हम अलग से कुछ खर्चा नहीं करते। बाकी लोग देखो तो कितना उसका पब्लिसिटी चलता है, तो पब्लिसिटी की वजह से उनका समझो तो लाखों लाख वो लोग पब्लिसिटी में लगाते हैं, इसलिए कॉस्ट बढ़ जाती है। हम लोग नहीं करते, हमारा माउथ पब्लिसिटी से हो जाता है, आप लोग का दया है तो इसलिए कॉस्ट मिनिमम रखे हैं। जिस दिन आप लोग शेयर करना बंद कर दोगे जेनिक के कंटेंट के बारे में बात करना बंद कर दोगे, तो हो सकता है हमको अपने तरफ से गूगल फेसबुक यूट्यूब का सहारा लेना पड़ेगा कि भैया हमको भी थोड़ा प्रोमोट करो, तो फिर डिजिटल मार्केटिंग वहाँ कॉन्सेप्ट आता है, डिजिटल मार्केटिंग फिर ब्लॉगिंग ये सब के थ्रू कर सकते हैं, है ना। तो वो चीज़ अभी हम लोग बहुत कम करते हैं, ब्लॉगिंग तो अभी स्टार्ट हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग में आई थिंक हम लोग बहुत कम पैसा लगाते हैं, ना के बराबर लगाते हैं समझो, तो साल में हमको लगता है कि ज़्यादा लगाते होंगे तो 20-30 हज़ार, जो 20-30 लाख बाकी लोग लगाते हैं वहाँ पे हमारा ये इतना है। तो तुम सोच सकते हो कि इतना कम अगर हम लोग खर्चा कर रहे हैं तभी जाके हमारा प्राइस कम है, तो आपकी बदौलत है ना। आप अगर शेयर करते हो, लोगों को ट्रस्ट है तो ऑब्वियसली लेते हैं, तो चल रहा है सब चीज़। जिस दिन बंद हो जाएगा उस दिन फिर इधर मार्केटिंग में पैसा लगेगा, बाकी लोग देखते हो ना मार्केटिंग में कितना पैसा लगाते हैं, उसी हिसाब से उनका कॉस्ट भी ज़्यादा होता है ना, ऐसा है। चलिए तो थैंक यू वेरी मच देवेंद्र, कोई बुक सजेस्ट कर दीजिए। देखो बुक जो है ना, अगर आप गेट फॉलो कर रहे हो तो DP कोठारी मेन है, ठीक है, स्टीवेंसन पढ़ सकते हो, अच्छा अच्छा बुक है, लेकिन थोड़ा सा वो थोड़ा आपको समझना मुश्किल हो जाएगा। स्टीवेंसन हम लोग तो पढ़ लिए, लेकिन आप भी अगर चाहो तो सेकेंड पॉइंट पे रख सकते हो। थर्ड इज सी एल वाधवा में आपको डिटेल में दिया हुआ है बहुत सारा चीज़, तो छोटा छोटा चीज़ भी उसमें डिटेल में दिया है, तो आप अच्छे से पढ़ के नॉलेज ग्रैस्प कर सकते हो। लेकिन गेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचो तो किसी का भी कोर्स ले लो, इट इज़ नॉट लाइक कि जेनिक कहीं लो, किसी का भी कोर्स एक ले लो आराम से, और उस पर 100% ट्रस्ट करो, और ट्रस्ट करके पढ़ाई करो, डेफिनेटली अच्छा कर जाओगे। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि यार जेनिक ही है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जेनिक 2 साल से है, 2 साल से पहले रैंक नहीं आते थे क्या, 2 साल से पहले इंस्टीट्यूट नहीं थे क्या, थे ना, उसमें हम लोग भी आ गए हैं। एक आपके पास ऑप्शन आ गया है, कम पैसे में बहुत चीज़ मिल जा रहा है, एफर्ट हम लोग ज़्यादा लगाते हैं क्योंकि हमको एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट करना है, अभी जितना किया उससे और ज़्यादा करना है, तो ये सब चीज़ है। तो ऐसा मत सोचना कि जेनिक का ही कोर्स बेटर है, बहुत है मार्केट में, बहुत है, रिव्यू लीजिए, स्टूडेंट से पूछिए, जो लोग पढ़ रहे हैं उनसे पूछिए, कंटेंट में दम है, हम लोग तो खुल के बोलते हैं कंटेंट में दम है, और कंटेंट की वजह से ही चल रहा है, आप लोग की दया है, ठीक है। चलिए तो कल रेडी रहिए आप लोग, लाइव सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे मोस्ट प्रोबेबली 10 से 2 आपका चंदन सर लेंगे, बीच में 5-10 मिनट का अर्ली ब्रेक मिल सकता है, और उसके बाद फिर 2 से 6 मैं चौपर लूंगा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, और फिर 6 से 10 या 6 से 12 पंकज सर का सेशन है जिसमें ट्रांसफॉर्मर चलाएंगे, है ना। तो ये आप अच्छे से कर लो, इसको मजाक में मत लेना कि यूट्यूब पे आ रहा है, मतलब अरे फ्री में है बाद में देख लेंगे, मालूम नहीं है अगर नहीं रखें तो, अनलिस्टेड कर दिए तो, प्राइवेट कर दिए तो, इसलिए ऑनलाइन रह के ही पढ़ना, क्लियर। ओके बेसिक से करा दूंगा हर्ष, टेंशन ना लो, बेसिक से ही करा दूंगा, एक चीज़ बेसिक क्लियर कर दूंगा फिर एडवांस लेंगे, ठीक है। 4 घंटे में बहुत कुछ हो सकता है, बस आप लोग सपोर्ट करो, है ना, ज़्यादा बीच में इधर उधर का बात नहीं करो, बहुत अच्छे से 4 घंटे का सेशन में बेसिक से लेके एडवांस तक करा देंगे, कोई इशू नहीं, फुल कॉन्सेप्ट अच्छे से। चलिए हो गया, तो क्लोज किया जाए इसको, आप लोग बोले तो क्लोज करता हूँ। इकोनॉमिक लोड डिस्पैच का आप रिव्यू दे सकते हो अच्छे से, बाकी जगह बताओ कि भाई हम लोग पढ़े हैं, हम लोग का आप क्वेश्चन बन रहे, मेरा प्रमोशन नहीं खुद का कि हाँ भाई हमको आ गया अब तुम क्वेश्चन पूछो हम जवाब देंगे, मेरा प्रमोशन करके क्या करोगे, मेरा ऑलरेडी हो चुका है। चलिए ठीक है, ओके तो क्लोज करते हैं इसको, थैंक यू सो मच, आगे फिर देखते हैं, जो और भी पावर सिस्टम का प्लान लगेगा तो मैं बिल्कुल लाऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक मैं कुछ मिक्स टॉपिक लाऊंगा, वो देखते हैं फिर, उसके लिए प्लान करते हैं। अभी इकोनॉमिक लोड डिस्पैच आज खत्म हुआ है, फिर नेक्स्ट आपका ये 12 घंटे वाला है सेशन, और उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वीक अगर बिजी नहीं रहा तो नेक्स्ट वीक फिर एक प्लान कर लूँगा बहुत अच्छा,
तो देखते हैं, बता दूंगा आपको, एक दिन पहले मिल जाता है हम लोग का। देखो ना, तो एक दिन पहले मैं शेयर करता हूँ, मुझे फॉलो करते रहो फेसबुक पे, तो मैं शेयर करते रहता हूँ। तो उसको है ना, आप रिमाइंडर लगा लो यूट्यूब पे, जैसे ही मेरा आएगा आपको पढ़ना है ये कॉन्सेप्ट, तो फिर रिमाइंडर लगा लेना, उसमें आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। और मैं ज़्यादा कोशिश यही करूँगा कि 4 से 6 ही में मैं रहूँ, है ना। 4 से 6 सही है, 4 से 6 आप लोग भी फ्रीक्वेंसी बन गया है, तो 4 से 6 में ही मैं लूँगा। सर आप कुछ बताइए, क्या बताऊँ शुभंकर, बिहार का बहुत हालत ख़राब है, ठीक है, बहुत हालत ख़राब है, क्या बताऊँ। चलो ठीक है, तो मैं देखा ना, मतलब 5-6 घंटा का सेशन में मैं एक भी आपको फालतू बात इधर उधर का नहीं किया, आज ख़त्म हो गया, तो थोड़ा बहुत आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ। कश्यप प्रोटेक्शन नहीं पढ़ा सकते यार, देखो उसका वजह है, कश्यप समझो और बाकी लोग भी इस चीज़ को समझे। पावर सिस्टम प्रोटेक्शन हम लोग फुल कोर्स में रखे हैं, और फुल कोर्स का वो पार्ट है, जो लोग फुल कोर्स खरीदते हैं 4,000, 10,000, 15,000, 20,000, वो उसी लिए खरीदते हैं ताकि वो पढ़ पाए। अब वो चीज़ अगर मैं आपको यूट्यूब पर दे दूँ तो उनके साथ ना इंसाफी हो जाएगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, चलो ये चीज़ नहीं समझ में आता है, दूसरा समझ लो कि जेनिक एजुकेशन में 50 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर रही है, चारों सेंटर मिला दो, तो उस एम्प्लॉय को हमको पे करना होता है, उसके फैमिली इसके वजह से चलते हैं। तो अगर हर चीज़ हम लोग अगर यूट्यूब पे ला देंगे ना, तो ऑब्वियसली हमारा रेवेन्यू ज़ीरो, रेवेन्यू ज़ीरो, तो ये 50 का जो फैमिली चल रहा है वो कहाँ से खाएगी। और जॉब ख़त्म, जॉब होना चाहिए, जॉब क्रिएट होना चाहिए, तो और जॉब ख़त्म कर दिए, इसलिए वो चीज़ नहीं कर सकते। मैं बार बार बोलता हूँ इस चीज़ को, और फ्रैंकली बोलता हूँ कि प्रोटेक्शन नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि वो फुल कोर्स का पार्ट है। क्योंकि कुछ छुपाने का मतलब नहीं, नहीं नहीं लाएंगे लाएंगे, चिंता करो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली आई विल एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स इन इंग्लिश, लाइक क्रैश कोर्स का जो है, आई विल एक्सप्लेन ऑल द क्रैश कोर्स इन इंग्लिश फॉर साउथ इंडियन गाइज, बट दैट विल नॉट बी इंक्लूड, द प्रोटेक्शन पार्ट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन दैट, ठीक है ना। तो जो भी साउथ इंडियन है, डोंट वरी अबाउट दिस थिंग्स, आई विल एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स इन इंग्लिश ऑल्सो। लेट मी कंप्लीट अदर प्रोजेक्ट, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इस चीज को। क्वेश्चन करते हैं सर, फॉल्ट एंड स्टेबिलिटी, बिल्कुल क्वेश्चन कीजिए, कोई डाउट हो ना मेल करो ना इस पे, ये jenikpatna@gmail.com पे आप मेल करना। अगर हमको अच्छा क्वेश्चन लगा ना, तो हम उसको लेंगे, इंक्लूड करेंगे लाइव सेशन में, इंक्लूड कर लेंगे। बस आप लोग फॉलो करते रहो, अगर मैं बोल रहा हूँ लाइव सेशन कल है, 24 घंटा पहले मैं बता दूंगा, उसको जरूर करना, अच्छे से रहो उस जगह पे, बिल्कुल कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं नेटवर्क का ऐसी सर्किट भी लाऊंगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी लाऊंगा, पावर सिस्टम भी लाऊंगा, जो मुझे आता है वो सारा चीज़ मैं लाऊंगा, जो मैं लेता हूँ, है ना। तो सिर्फ पावर सिस्टम पे ही नहीं लटके रहेंगे, सारे सब्जेक्ट जो भी मैं कराता हूँ उसको भी लाएंगे। चलिए ठीक है, तो इसको क्लोज किया जाए, आप लोग बोलो यस, तो फिर मैं क्लोज करता हूँ इस चीज़ को। ठीक है, क्लोज किया जाए। कोई लिख ही नहीं रहा, क्या भाई उदास हो गया क्या? अरे आऊंगा भाई, छोड़ने वाला नहीं हूँ, नेक्स्ट वीक फिर आऊंगा। ठीक है, चलिए ओके, क्लोज करते हैं इसको, सब लोग यस बोल दिए, ओके थैंक यू।